ये एग्जाम्पल हम कर रहे थे क्लासिफाइंग मूवी रिव्यूज की एग्जाम्पल, ठीक है। इसको रिवाइज भी करते हैं और इसके अंदर जितनी टेक्स्ट प्रोसेसिंग जो बैकएंड पे हुई भी है वो हम कोशिश करते हैं उसको आज जो है वो सीखते हैं। तो सबसे पहले जा रहे भाई, उसी तरह डेटा लोड हुआ हुआ है, नम वर्ड्स 10,000। जल्दी से कोई एक्सप्लेन करे इसका मतलब क्या था। Most occurrence 10,000 words. ऐसे 10,000 वर्ड्स जो सबसे ज्यादा बार आए, मोस्ट अकरिंग, जिनकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा बार हो, यानी सबको ये बात समझ में आ रही है जो मैं कह रहा हूँ। जल्दी जल्दी जवाब दें। यस सर, आ रही है। ठीक है, अगर कोई ऐसा बंदा भी उसको नहीं सर भी आ रही तो वो भी बोल सकता है मुझे नहीं समझ में आ रही क्या क्या कह रहे हैं आप। मोस्ट अकरिंग 10,000 वर्ड्स लेने हैं डेटा के अंदर से। जिंदगी अच्छा, उसके बाद ट्रेंड डेटा में 25,000 थे, टेस्ट डेटा में लेवल्स 25,000 है, लेंथ निकाली ये निकाली, और हमारे पास जो है जब हमने डेटा को चेक किया तो पहला जो डेटा सेट था उसमें जो पहला पहली जो सीक्वेंस है, पहला जो डॉक्यूमेंट है उसकी लेंथ 218 की आ रही है, 218 वर्ड्स की आ रही है। मैंने कहा जाके चेक करता हूँ। तो जैसे ही मैंने यहाँ इसको चेक किया तो हमें क्या पता चला, यहाँ तो डेटा के अंदर वर्ड्स लिखे हुए ही नहीं है बल्कि क्या लिखे हुए आ रहे हैं, नंबर्स लिखे हुए आ रहे हैं। वर्ड्स लिखे हुए नहीं आ रहे, नंबर्स लिखे हुए आ रहे हैं। अच्छा जी, चलो भाई, चलो 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 चलो, यहाँ पर नंबर्स लिखे हुए आ रहे हैं। तो ये नंबर्स लिखे हुए आ रहे हैं भाई, ये क्या कहानी हुई हुई, ये हमें पता नहीं चली। हम तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यहाँ पर जो है वो वर्ड्स या सेंटेंस लिखे होंगे क्योंकि रिव्यूज हैं मूवीज के, हम उनको क्लासीफाई कर रहे हैं। ठीक है, कोई बता सकता है कि भाई ये वर्ड्स का मतलब, नंबर्स का मतलब क्या है। सर, हर वर्ड एक नंबर को करस्पॉन्ड कर रहा है ना, ये इंडेक्स हमने जो दिए हैं नंबर। सर ये ना इनकोडिंग हुई हुई है, वर्ड जो हमें रिव्यूज आए हुए हैं ना उनकी इनकोडिंग करी हुई है। अच्छा, इनकोडिंग नहीं हुई हुई अभी, अभी इसको हम कहते हैं हमारे पास कुछ प्रोसेस होता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अब मैं कोई रिव्यू ले लेता हूँ, यहाँ से कोई टेक्स्ट ले लेता हूँ। अब आपने वो स्टेप समझने होंगे, यहीं पर इंशाल्लाह कवर अप कर लेंगे हम। मैंने एक टेक्स्ट ले लिया यहाँ पर, ये मेरे पास इतना सारा टेक्स्ट है फॉर एग्जाम्पल, यही हमारा रिव्यू, फॉर एग्जाम्पल यही हमारा रिव्यू। ठीक है, अब क्या होता है, सबसे पहला स्टेप क्या होता है, सबसे पहले स्टेप में जब टेक्स्ट प्रोसेस कर रहे होते हैं, देखिए स्टेप्स को जरा याद रखिएगा। ड्यूरिंग टेक्स्ट प्रोसेसेस जो हम सबसे पहला काम क्या करते हैं, सबसे पहला काम ये करते हैं हम टेक्स्ट को रिफाइंड करते हैं, रिफाइंड करते हैं। अच्छा, जब मैं कह रहा हूँ रिफाइंड करते हैं तो उसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, लेट्स सी। टेक्स्ट को हम रिफाइंड करते हैं और रिफाइंड करने में हमारे पास हम क्या क्या काम कर रहे होते हैं। सबसे पहला आप क्या काम करेंगे अगर आपको टेक्स्ट रिफाइन करना हो, सबसे पहले हम टेक्स्ट के अंदर से क्या करेंगे भाई, टोकनाइज करेंगे सर, पंक्चुएशंस को रिमूव करेंगे, स्टॉप वर्ड हटा देंगे, स्टॉप वर्ड्स हटा देंगे, जैसा कह दिया ये और क्या करेंगे अभी। अच्छा, म्यूट कर लें भाई अपने आप को प्लीज। अच्छा, पंक्चुएशन अगर हमारे टेक्स्ट के अंदर हैं उनको रिमूव कर लेंगे, स्टॉप वर्ड्स अगर हैं उनको हम रिमूव कर लेंगे। अच्छा, अब ये सबको पता है स्टॉप वर्ड्स क्या होते हैं। जी नो सर, फिर पूछ क्यों नहीं रहे यार, मैंने बोला स्टॉप वर्ड्स रिमूव कर लेंगे तो पूछ ही नहीं रहे सर ये होते क्या है।
है? अच्छा स्टॉप वर्ड्स हमें लगा आप ऐसे बताएं। वर्ड, अच्छा स्टॉप वर्ड जो है ऐसे वर्ड्स होते हैं सेंटेंस के अंदर जिनसे सेंटेंस के मीनिंग पे कोई असर नहीं पड़ रहा होता। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर एक सेंटेंस लिखता हूँ, भाई आई ईट एन एप्पल डेली, ठीक है। अब ये एक सेंटेंस है आई ईट एन एप्पल डेली, सेंटेंस का जो सिमेंटिक होता है ना, यानी जो सेंटेंस आपसे कहना चाह रहा होता है, अगर मैं स्टॉप वर्ड्स उनमें से हटा भी दूं, स्टॉप वर्ड्स उनमें से हटा भी दूं, तो क्या होगा हमारे पास, तब भी मीनिंग पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लाइक ये देखें, मैंने आई हटा दिया, एन हटा दिया, ठीक है, ये पंक्चुएशन भी हटा दी, इवन इन केस मैंने ये डेली भी हटा दिया, अगर लिखा हुआ आ रहा है ईट एप्पल, तो इसका मतलब ये है कि अभी भी इसका सेमेंटिक्स और इसका सेंस जो है वो ये कह रहा है कि यहाँ जो है वो एप्पल खाने की बात हो रही है, ठीक है। इस तरह तो अब ये जो ऊपर हमारे पास सेंटेंस मैंने यहाँ लिखा हुआ है, वन एडवांटेज ऑफ फंक्शन इज द वे दे सेपरेट ब्लॉक्स ऑफ कोड फ्रॉम योर मेन प्रोग्राम। अब इस सेंटेंस में से अगर मैं हटा दूं स्टॉप वर्ड्स तो क्या क्या होंगे भाई, ये वन हट जाएगा, ऑफ हट सिर्फ जाएगा। एन जी हटाया तो जी उससे तो इतना फर्क नहीं पड़ा, लेकिन जब आई और डेली हटाएगा तो फिर हमारा इंफॉर्मेशन लूज नहीं होगी कि किसने खाया नहीं, और कब खाया। इसकी जरूरत नहीं है हमें। अगर मुझे सेंटेंस को सिर्फ क्लासिफाई करना है तो आई और यू की जरूरत नहीं है मुझे, ठीक है। सही सोच रही हैं आप कि यार आई ने खाया यू ने खाया पता नहीं चल रहा, बट खाया और क्या खाया ये तो क्लियर है ना, ठीक है। जी सर, तो इज द वे दे हटा दूं सेपरेट छोड़ दूं ब्लॉक्स ऑफ कोड फ्रॉम योर मेन प्रोग्राम, तो अब मेरे पास जो है वो सेंटेंस बचेगा इन दिस केस एडवांटेज फंक्शन वे सेपरेट ब्लॉक कोड मेन प्रोग्राम। स्टॉप वर्ड निकालने के बाद मेरे पास ये बचेगा सेंटेंस के अंदर। अच्छा नंबर टू बात, अब बोले यार ये क्या, जब ये क्या सेंटेंस बन गया, सत्यानाश का हो गया सेंटेंस का, समझ में नहीं आ रहा। जिस तरह अभी आप कह रहे हैं आई हट गया यू हट गया, तो असल में हमने जो है सेंटेंस को, हमने सेंटेंस को मैप कराना होता है किसी टारगेट वैल्यू के ऊपर या टारगेट लेबल के ऊपर। फॉर एग्जांपल हम क्लासिफाई कर रहे हैं पॉजिटिव या नेगेटिव पे, ठीक है, तो यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव पे मैप कराना है। अब हमारे साथ प्रॉब्लम ये होता है, हम एज अ ह्यूमन बीइंग सोच रहे होते हैं और एज अ ह्यूमन बीइंग ही सेंटेंस को ट्रीट कर रहे होते हैं, और हम ये सोच रहे होते हैं कि मशीन भी शायद एज अ ह्यूमन बीइंग ही जो है वो ट्रीट कर रही हो। ऐसा नहीं होता। जब हमने यहां से ये सारे स्टॉप वर्ड्स जो हैं वो रिमूव कर दिए, हमारे पास सेंटेंस ये बचा है, तो अब मशीन के पास तो आई जाता ही नहीं है, जाता है आई क्या मशीन के पास, अगर यू छोड़ भी दूं तो क्या यू यू की तरह जाएगा, नेवर, सब तो कन्वर्ट हो जाएगा, वन नॉट इनकोड हो जाएगा, वेक्टराइज हो जाएगा, इनकोड हो जाएगा, ये तो कुछ भी नहीं जाएगा। तो मशीन बिचारी को तो पता ही नहीं मेरे पास क्या आ रहा, उसको तो पता है मेरे पास क्या आ रहा है, जीरो वन आ रहे हैं, जीरो वन आ रहे हैं। तो इसलिए ये हमारे दिमाग का खलल है कि हम ये सोच रहे होते हैं कि भाई आई होना चाहिए, ईट हट जाएगा, एन हट जाएगा, तो ग्रामर का क्या होगा और उसका क्या होगा, उसका क्या होगा। ऐसा कुछ मशीन के पास नहीं जा रहा होता, राइट? तो ये एक इश्यू है। अच्छा नंबर जी सर, बोल एक रहे हैं कुछ? क्वेश्चन जी है सर, फिर पता कैसे चलेगा फीमेल ने कमेंट किया है या मेल ने कमेंट किया है? ही शी, ये सारे वर्ड्स तो हट जाएंगे ना, नाउन्स।
क्या करना है, मेल ने कमेंट किया है या फीमेल ने कमेंट ने. वो तो अंदाज हो जाएगा ना. अच्छा उसके अंदर जो है ना प्रोनाउंस अगर हट जाएंगे तो क्या होगा, प्रोनाउंस का पूछ रही है ना. अगर आप ये क्लासिफाई कराना चाह रहे हैं कि कमेंट पढ़ के वो ये अंदाजा कर ले कि ये फीमेल का कमेंट है या मेल का कमेंट है, यानी इस कमेंट को क्लासिफाई कर ले कि कमेंट फीमेल है या मेल है ना, यूं कहना चाह रहे हैं ना, तो वो भी कुछ और चीजों पे होगा. वहां पर अगर कोई मेल भी लिखेगा तब भी वो अपने बारे में लिख रहा होगा तो आई बोलेगा ना, फीमेल भी लिख रही होगी तो आई बोलेगी ना, शी तो नहीं बोलेगी ना. और अगर वो किसी और के बारे में बात कर रहा होगा तो फिर जाहिर है वो उसको तो ही ऐसी ही बोलेगा, तो उससे फर्क नहीं पड़ता अगर आप वो और करेंगे तो. बेसिकली वो ये चीज पर नहीं चल रहा, पैटर्न पे चल रहा है ना. पैटर्न विल बी और होल सेंटेंस का, पूरे सीक्वेंस का जो है ना वो पैटर्न होगा, पूरी सीक्वेंस का पैटर्न होगा. अच्छा जी, तो जब हम स्टॉप वर्ड्स और पंक्चुएशन रिमूव कर देते हैं तो हमारे पास ये सीक्वेंस बन जाती है. अभी तो मैं आपको और भी चीजें में दिखाता हूँ कि फिर हम इसके अंदर जो है ये स्टॉप वर्ड निकाल दिए, पंक्चुएशन निकाल दिया, अब फर्दर हम जो है वो क्या करते हैं, इसके अंदर हम जो है वो लेमेटाइजेशन करते हैं. अब ये क्या होती है अभी मैं बताता हूँ, ठीक है. एक लेमेटाइजेशन होती है और दूसरी हमारे पास क्या होती है, किसी को पता है? Stemming, Tokenization. अभी नहीं होता टोकनाइजेशन, शुरू में नहीं होता, ठीक है. स्टेमिंग करते हैं और लेमेटाइजेशन करते हैं. स्टेमिंग और लेमेटाइजेशन में क्या होता है भाई, के हमारे पास जो वर्ड होता है ये इस वर्ड को इसके रूट वर्ड में कन्वर्ट कर देता है. यानी अब मैं आपको एक बात कहता हूं समझाने के लिए कि कहीं लिखा हुआ है कि आइडियली इफ यू स्टडी डेली यू विल गेट गुड मार्क्स. An ideal student works hard. चलो मैंने ऐसी sentence लिख दिया. अब ये जो पहला word है ideally और ये जो word है ideal, क्या ये दोनों एक ही word है? हाँ भाई. Yes sir. ये एक ही word है but उन्हीं की form change है. तो हम क्या करते हैं, हम जब स्टेमिंग करते हैं, पता नहीं स्टेमिंग करते हैं लेमेटाइजिंग करते हैं, चलो वो बता दूंगा. स्टेमिंग में होता है लेमेटाइजिंग, दिमाग से निकल. स्टेमिंग में होता है ना, स्टेमिंग जो है क्या करती है जी सर? दोनों में होता है लेकिन थोड़ा सा फर्क है दोनों के अंदर ना. नहीं, दोनों से एक काम नहीं होता, एक से रूट वर्ड आता है और एक से मीनिंगफुल वर्ड आता है. यस सर. देख लेंगे, स्टेमिंग करती है, लेमेटेशन करती है. मेरे सर आपका आवाज बहुत खराब आ रहा है. मेरी आवाज खराब आ रही है सर? एक मिनट में हेडफोन लगाऊं सर, मेरा ब्लूटूथ का जो है ना चार्जिंग खत्म हो गई. एक मिनट देना, मैं साफ से लगाऊं. आवाज सही आ रही थी आपकी, पहले सही आ रही थी. सही
आपकी आवाज पहले ठीक थी सर, अभी बहुत लो आ रही है। चलो सही है, अभी अभी सुनते रहो, जब चार्ज पे लगाया मैंने। अच्छा मैं क्या कह रहा हूँ कि भाई ये क्या करेगा, इनको रूट वर्ड में कन्वर्ट कर लेगा। अच्छा रूट वर्ड में जैसे ही कन्वर्ट करेगा तो ये कन्वर्ट होकर क्या बन जाएगा, फॉर एग्जाम्पल मुझे नहीं पता क्या बनेगा, मिसाल के तौर पे कह रहा हूँ शायद ये बन जाएगा आइडियल। अब ये वर्ड वोकैबुलरी में जितनी बार जहां कहीं 10 बार 20 बार आ रहा होगा हर जगह रिप्लेस होके ये वन टाइम बन जाएगा, हर जगह रिप्लेसमेंट जो है वो क्या हो जाएगी इसकी, आइडियल हो जाएगी। आइडियल इफ यू स्टडी डेली विल गेट गुड मार्क्स एंड आइडियल स्टूडेंट वर्क्स हार्ड। तो इससे क्या होता है, इससे रिपीटेशन ऑफ वर्ड जो है वो खत्म हो जाती है और नंबर ऑफ वर्ड्स भी जो है वो कम हो जाते हैं। ये जो अलग अलग वर्ड बन रहे थे ये क्या हो जाता है, सिंगल वर्ड बन जाता है। तो आपकी वोकैबुलरी साइज जो है वो जरा सिमट जाता है और रिपीटेशन खत्म हो जाती है, एक ही वर्ड की बार बार रिपीटेशन हो रही है। ठीक है, जब ये सब कुछ होने के बाद फिर टोकनाइजेशन अप्लाई होती है, हर वर्ड जो है वो अलग अलग कर दिया जाता है, यानी एडवांटेज इसका जो भी बना होगा सब कुछ होने के बाद ये अलग हो जाएगा, एक एक वर्ड जो है वो अलग कर दिया जाता है, फंक्शन वे सेपरेट। और जब अलग अलग हो जाते हैं इनको एक नंबर असाइन हो जाता है, इनको एक नंबर असाइन हो जाता है, एक कोड असाइन हो जाता है, एक नंबर असाइन हो जाता है, यानी फॉर एग्जांपल मैंने कहा यार जी रैंडमली असाइन होता है, नहीं रैंडम असाइन नहीं होते, टोटल जितने होते हैं वो एक एक करके असाइन हो जाते हैं, पहले किसको क्या असाइन होगा ये नहीं पता, लेकिन जो है वो नंबर्स जो है वो एटलीस्ट, ऐसा नहीं होता कि कोई 10,000 मिल गया किसी को 5,000 मिल गया, नहीं 1, 2, 3 होते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास जो है जितने भी वर्ड्स बनते हैं वो सबको टोकन असाइन हो जाते हैं। ये जो प्रोसेस है टोकन असाइन होने का, टोकन टोकनाइज होने का, तो वेक्टराइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, वेक्टराइजेशन। जो हमारा यार माइक ऑफ, अब जो हमारा वेक्टर बन जाता है वो यूं बन जाता है कि भाई एडवांटेज ऑफ फंक्शन सारी चीजें, कहीं नंबर लिखा है कहीं 2 लिखा है कहीं 3 लिखा है कहीं 2 लिखा है कहीं 67 लिखा है कहीं 78 लिखा है कहीं ये 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 लिखा है। इस तरह हमारे पास हमारा जो सिक्वेंस होती है वो कन्वर्ट हो जाती है नंबर्स के अंदर, ठीक है, वेक्टर बन जाता है। तो ये जो हमारे पास यहाँ पर मामला आ रहा है ट्रेन जीरो के ऊपर, ये यही हुआ हुआ है, ट्रेन जीरो के ऊपर यही हुआ हुआ है कि जितनी हमारे पास वोकैबुलरी थी 10,000 की वोकैबुलरी है ना हमारे पास, इसका मतलब देयर विल बी 10,000 टोकन्स, और अगर जीरो से असाइन हुआ है तो 9,999 टोकन नंबर्स असाइन हुए होंगे, मिनिमम जीरो होगा और मैक्सिमम टोकन 9,999 होगा। ये बात समझ में आई जो मैंने की है, क्योंकि वोकैबुलरी पूरी सीक्वेंसेस जितने भी रिव्यूज हैं उन सारे रिव्यूज को जमा किया और सब में से सबको अरेंज किया, अरेंज करने के बाद उनकी फ्रीक्वेंसी निकाली, फ्रीक्वेंसी निकालने के बाद डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया, 10,000 सिलेक्ट किए और हर 10,000 वाले को एक एक टोकन नंबर असाइन कर दिया। आफ्टर डूइंग ऑल दीज वर्क्स, स्टॉप वर्ड, लिमिटाइजेशन, पंक्चुएशन, ये सब हटाने करने कराने के बाद, ये जो हम टोकनाइजेशन कर रहे हैं इससे पहले हमें लिमिटाइजेशन लाजमी करनी है, देन फिर हमें टोकनाइजेशन करनी है। लाजमी कुछ नहीं है, आप कुछ भी ना करें आप डायरेक्ट उसी को टोकनाइज कर दें, लेकिन फिर रिजल्ट्स के लिए तैयार रहें। लेकिन अगर जो एक प्री डिफाइंड प्रोसीजर है अगर हम उसको फॉलो करते हैं तो हमें पहले लिमिटाइजेशन या स्टेमिंग करनी होगी, देन हमें टोकनाइजेशन करनी होगी, है ना। अच्छी बात तो यही है ना, अगर आप टोकनाइज पहले कर देंगे तो सारी पंक्चुएशन को भी टोकन मिल जाएंगे फुल, और ब्रैकेट्स को भी टोकन मिल जाएंगे और गैर जरूरी वर्ड्स को भी टोकन मिल जाएंगे। आपका क्या ख्याल है, पहले टोकनाइजेशन कर लेनी चाहिए? नहीं सर, सर लिमिटाइजेशन करेंगे तो उससे तो क्या नाम है स्टॉप वर्ड्स और क्या नाम है ना पंक्चुएशन तो वैसे ही निकल जाएंगे ना मेरे ख्याल से, देन तो फिर जो टोकनाइजेशन होगी वो तो वर्ड्स के ऊपर ही होगी ना जो बाकी बचे।
बाद में करेंगे ना फिर, यही तो कह रहा हूँ। तो मेरा सवाल सर ये था कि जब हम लिमिटाइजेशन कर लेंगे यानी कि स्टॉप वर्ड्स और क्या नाम पंचुएशन रिमूव कर देंगे, देन हमें परस्यू करना है ना टोकनाइजेशन की तरफ। यार तुम सवाल भी खुद ही कर रहे हो, जवाब भी खुद ही दे रहे हो। कंफर्मेशन करना चाह रहा हूँ ना सर। कंफर्मेशन में अभी मैंने यहाँ बताया तो सही है कि भाई पहले ये करेंगे बाद में टोकनाइजेशन करेंगे, स्टेप भी मैंने यहाँ लिखे हैं, तो सवाल तो बनता ही नहीं है। चलो टोकनाइजेशन बाद में करेंगे। सवाल ये जो इनको नंबर्स असाइन हुए टोकनाइजेशन में, ये तो सीक्वेंस में नहीं हुए, ये रैंडम हुए हुए 23 मेरे भाई, सीक्वेंस में भी अगर मेरी बात सुनो मैं कह रहा हूँ सीक्वेंस में भी अगर होंगे ना तो मसला ये है कि देखो इधर ये एक रिव्यू है, ये एक रिव्यू है ठीक है, इधर देखो ये एक रिव्यू है यहाँ पर आ गया ठीक है, ये दूसरा रिव्यू है यहाँ पे आ गया ठीक है, ये तीसरा रिव्यू है जो मैंने यहां से ले लिया। चलो और ये हो गया आखिरी हमारा चौथा रिव्यू। ठीक है भाई ये चार रिव्यूज हैं जी। सर एक दफा प्लीज दोबारा से एग्जांपल के साथ क्लेरिफाई कर दें, लेमनाइजेशन और स्टेमिंग दोनों मिक्स हो रहे हैं। अभी मैं कराता हूँ, अभी मैं कराता हूँ। अच्छा ये रिव्यू है, अब जब ये रिव्यू है ना मेरे भाई, तो मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं इनमें से वोकैबुलरी निकालने जा रहा हूँ ठीक है। मैं एक बॉक्स बना रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ सारी वोकैबुलरी यहाँ डाल दो। अब जल्दी जल्दी बताओ जरा कि क्या क्या वोकैबुलरी आ रही है, पहले में क्या क्या आ रहा है। एडवांटेज, फंक्शन, द वे, सेपरेट, ब्लॉक्स, सेपरेट, ब्लॉक्स, कोड, ब्लॉक्स, कोड, मेन प्रोग्राम, और वन हो गया एडवांटेज, हो गया सेपरेट, हो गया ब्लॉक्स, हो गया कोड, हो गया ये, हो गया ये, हो गया नेक्स्ट यूजिंग डिस्क्रिप्टिव, फंक्शंस पहले ही हो गया हुआ है, फंक्शन की जरूरत नहीं है मुझे, मेन की जरूरत नहीं है, प्रोग्राम की जरूरत नहीं है, इजियर फॉलो फॉलो ठीक है भाई। और क्या है, अच्छा स्टेप फॉर स्टोरिंग और मॉड्यूल, हाँ जी सेपरेट मॉड्यूल, इंपोर्टिंग, बस स्टेटमेंट, यस सर, फाइल फाइल, पाइथन और बस अवेलेबल, अवेलेबल ये मेरे पास सारी वोकैबुलरी, ये मेरे पास सारी वोकैबुलरी जो है जमा होगी, कुछ रह भी गई तो कोई मसला नहीं है, समझने के लिए कर रहे हैं हम दो। अवेलेबल, अच्छा जी ठीक है जी, यहां तक बात क्लियर है। अब ये बताओ, अब मैंने जो है सबको टोकन असाइन करना है ठीक है भाई, इसको मैंने कह दिया जीरो, इसको कह दिया वन, इसको कह दिया टू, इसको कह दिया थ्री, इसको कह दिया फोर, इसको कह दिया फाइव, इसको कह दिया सिक्स, इसको कह दिया सेवन, एट, नाइन, टेन, इलेवन, ट्वेल्व,
13, 14, 15, 16, 20, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. कहां तक पहुंच गई बात? आगे निकल गया क्या? कहां चला गया भाई? बहुत ज्यादा आगे चले गए. अच्छा अब मैं कहां चले गए हमारे ऊपर आ रहे हैं. छोटी सी एग्जांपल लेते हैं. ये हो गया ठीक है. अब सबको टोकन लग गए. टोकन लगने के बाद ये बन गए हमारे पास. अच्छा अब क्या है? अब बात ये है, अभी तो ये मैंने जब वोकैबुलरी सिलेक्ट की है तो मैंने लाइन से लिख दी है. अगर इसको फ्रीक्वेंसी वाइज अगर मैं टॉप की फ्रीक्वेंसी निकालूंगा तो क्या तरतीब बाकी रहेगी? यहाँ पर जल्दी से जवाब दो. नो सर. नो. जब तरतीब बाकी नहीं रहेगी तो फिर तरतीब का सवाल बार बार उठना नहीं चाहिए कि टोकन नंबर तरतीब से आएगा या कैसे आएगा. अब फॉर एग्जाम्पल डिस्क्रिप्टिव ऊपर चला गया, डिस्क्रिप्टिव का जीरो आ गया, यूजिंग आखिर में चला गया, कहीं उसका 99 आ रहा है, नेम जो है कहीं और आ रहा है उसका 57 आ रहा है. तो जो तरतीब डिसेंडिंग ऑर्डर में फ्रीक्वेंसी वाइज बनेगी वो तरतीब असाइन होगी. ठीक है, हो गई. अब यहाँ सबको टोकन मिल गए, लेकिन जब वो तरतीब यहाँ इंप्लीमेंट करूंगा तो 1 पे आ रहा होगा 9, एडवांटेज पे आ रहा होगा 99, फंक्शंस पे आ रहा होगा 123, प्रोग्राम पे आ रहा होगा 450. ऐसे ही होगा ना? बोलो भाई. यस सर. तो भाई यहाँ तरतीब नहीं होगी. अब समझ में आ गई तरतीब कौन सी वाली होगी? सर पहले टोकनाइजेशन, फ्रीक्वेंसी वाइज, उसके बाद फ्रीक्वेंसी वाइज. इसलिए यहाँ जो उल्टा सीधा आ रहा है ना वो इसलिए आ रहा है कि वो टोटल वोकैबुलरी को जो नंबर असाइन हुए हैं उसमें से जो नंबर आया वो नंबर उठ के यहाँ बैठ गया उसकी सिक्वेंस में. 1 के बाद 14 आ गया, इसका जो वर्ड होगा वहाँ डिसेंडिंग ऑर्डर में 10,000 में 14वें नंबर पे होगा. So, ये फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंगली डिस्प्ले किया हुआ है यहाँ पे. जी जी सर, एक दफा एक्सप्लेन कर दे कि ये फ्रीक्वेंसी से क्या मुराद है यहाँ पे. फ्रीक्वेंसी से मुराद ये है कि भाई हमारे पास जो डेटा मौजूद है, फॉर एग्जांपल उसके अंदर 100,000 वर्ड्स हैं, समझिएगा 100,000 वर्ड्स हैं. अगर मैं पूरे 100,000 वर्ड्स ले लेता हूँ, पूरे 100,000 वर्ड ले लेता हूं, तो मेरा वेक्टर जो बनेगा ना वो बहुत बड़ा बनेगा. एक वर्ड एडवांटेज के लिए मेरा जो वेक्टर का साइज होगा वो 100,000 का होगा. होगा या नहीं होगा ये बताएं पहले. वन आउट एनकोडिंग में ये बड़ा साइज हो जाएगा. इस बड़ा साइज होने की वजह से प्रॉब्लम ये होगी कि बहुत ज्यादा कंप्यूटेशन इस्तेमाल होगी. तो हम ये करते हैं अंदाजन अपनी मर्जी से हम कहते हैं यार 100,000 वर्ड्स पूरे सिलेक्ट नहीं करो, बल्कि काम करो जितना भी डाटा है, जितने भी रिव्यूज हैं, सारे रिव्यूज खोल के टेबल पे रखो और उसके अंदर से एक वर्ड उठाओ और ये देखो ये वर्ड कितनी दफा आया है. वो उठाएगा, बोलेगा एडवांटेज 10 दफा आया, फंक्शन 50 दफा आया, सेपरेट 9 दफा आया है, ब्लॉक 5 दफा आया है, कोड 8 दफा आया है. इस तरह हर वर्ड की फ्रीक्वेंसी निकाल लो. निकाल ली. निकालने के बाद सबसे टॉप पे कौन सा आएगा? 10, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है. उससे नीचे कौन सा आएगा? सेपरेट, क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, उससे कम है दूसरों से ज्यादा, 8. इस तरह ये डिसेंडिंग ऑर्डर में फ्रीक्वेंसी वाइज अरेंज हो जाएगा. टोटल 100,000 वर्ड्स की फ्रीक्वेंसी निकाल ली. इसमें से मैं कह रहा हूँ टॉप के 10,000 वर्ड सिलेक्ट कर लो, तो 10,000 वर्ड सिलेक्ट करके अलग कर लिए. ये 10,000 वो होंगे जिनकी फ्रीक्वेंसी
सबसे ज्यादा होगी, बाकी ड्रॉप कर दिए। अब बात समझ में आई? जी सर। यस सर। गुड, हो गया। तो ये टॉप 10,000 वर्ड जो है वो फ्रीक्वेंसी वाइज सिलेक्ट हुए हैं। अब फ्रीक्वेंसी वाइज जब सिलेक्ट हुए हैं तो उनकी तरतीब सीक्वेंस वाली तो रही नहीं, अब इसी फ्रीक्वेंसी को क्या करेंगे हम, टोकनाइज टोकन के थ्रू नंबर असाइन कर देंगे वेक्टर बनाने के लिए। अब वेक्टर बन गए। जो फाइनल लिस्ट डिस्प्ले हुई थी वहां 10,000 तो नहीं हुए थे, ये तो हमने 10,000 वर्ड सिलेक्ट किए हैं ना, डॉक्टर अवे, ये सेंटेंस लिखा हुआ है। अब इसमें देखना पड़ेगा मुझे कि भाई अगर एन मौजूद है उसका टोकन नंबर क्या है। उसका टोकन नंबर मैंने कहा है 7 है। एप्पल का टोकन नंबर इस फ्रीक्वेंसी में क्या है, इस टेबल में क्या है, इस टेबल में एप्पल का नंबर जो है वो 150 है, 130 है। इस तरह ये वेक्टर जो है वो तैयार हो गया। अब बोले, बात समझ में आई? तो भाई 10,000 थोड़ी आएंगे, जितने वर्ड्स होंगे उतने ही टोकन आएंगे ना सर। बेसिकली हमने ये किया है ना कि कोई भी हमारे पास टैक्स था, पहले हमने उसमें से यूनिक नंबर डिस्टिंग करके निकाल दिए नॉर्मली, और हमने उसको एक की असाइन कर दिया, जस्ट आप प्राइमरी की कह लें या टोकनाइजेशन कह लें, और उसके बाद जो है हम उसको हम वेक्टर बना लेंगे। माइट के जो भी आ रहा है कि हम फ्यूचर में इसलिए कर दें कि हमारे पास न्यूमेरिक डेटा होता है और मल्टीपल जो बड़ा हमारे पास सिंटैक्स होता है वर्डिंग का टेक्स का, तो बेसिकली उसके हम यूनिकनेस रखने के लिए हम उसको एक टोकन नंबर असाइन कर देते हैं, क्योंकि वेक्टर में हमें इंटीजर वैल्यू सारी चाहिए होती है, ऐसा ही है सर? हाँ कह सकते हैं इसको। अच्छा सर, ये बाद में हम इसको दोबारा रीएलोकेट करेंगे, जब 7 में एप्पल एन आ गया, 130 पे एप्पल आ गया, तो हम दोबारा इसको हम दोबारा से इसी फॉर्म में लेके आ सकते हैं, तो हमारी सारी मैनिपुलेशन खत्म, दोबारा वापस वर्ड्स बना सकते हैं इसे। टोकनाइजेशन जो है लोड डेटा के फंक्शन में ही परफॉर्म हो रही है ना सर, जब हम डेटा को लोड कर रहे हैं डेटा सेट को। हाँ हाँ, ये ऑलरेडी उन्होंने करके रखा हुआ है ना। ओके सर, तो हमने नहीं किया, हमने तो खाली लोड किया, हमें नजर आ गया यहाँ पर। लेकिन सर जब हमें करना होगा तो हमें ये प्रोसेस करना होगा ना खुद से, यहाँ पे तो हमारा प्री डिफाइंड है सब कुछ। जाहिर है यार, बगैर करे कैसे होगा, तो ये बात क्लियर हो जाए। अच्छा, अब यहाँ पर जिन्होंने वो काम किया हुआ है कि रिवर्ट बैक करना है, अगर imdb.wordindex के थ्रू जो है वो रिवर्ट बैक करके जो उन्होंने रिव्यू जो है वापस निकाला हुआ है, ये रिव्यू वापस आ गया, तो खैर हम कर लेंगे उसे। यहाँ पर लेबल इसका जीरो है जी सर। ये जो डिकोड किया है ना सर, ये देखें यहाँ पे जो है ना वो वर्ड से आई यू दा वगैरह जो हम रिमूव किया था, तो ये कैसे मतलब डिकोड करते हैं, इसे कैसे आ जाते हैं दोबारा ये वर्ड्स? नहीं नहीं, इन्होंने स्टॉप वर्ड्स वगैरह नहीं किए हुए, इसलिए ऐसा इनके पास ये आ रहा है, इट इज और ये सारी चीजें आ रही है, पंक्चुएशन भी आ रहा है। सर, ये जैसे स्टॉप वर्ड्स हम शुरू में तो निकाल देते हैं इनकोडिंग करते वक्त, तो ये हम बाद में जब हमें रिट्रीव करना होता है डेटा तो हम दोबारा फिर ऐड करते हैं इनमें? नहीं नहीं, दोबारा ऐड नहीं करते, फिर हमारे पास रॉ डेटा ही आ रहा होता है जो हमारा शॉर्ट वाला, रॉ डेटा ही आएगा, रॉ डेटा ही आएगा। अब हमारे पास जो है ना अगले स्टेप में जो इनकोडिंग करनी है हमने, कि हमारे पास जो है वो ये इंटीजर सीक्वेंस
बन गई है, इसको बाइनरी मैट्रिक्स बनाना है, ठीक है, यानी कि इसको वन ऑट इनकोड करना है, नंबर्स बी फाइनली कन्वर्ट होंगे वन ऑट इनकोड में, क्यों जल्दी से बताओ, वरना वो जो मॉडल है ना सर वेक्टराइजेशन के लिए स्केल में लाने के लिए डेटा को, किसको, क्योंकि कंप्यूटर 01 समझते हैं सर वेक्टराइजेशन के लिए, कंप्यूटर नंबर भी तो समझता है ना भाई सर, वरना वो पैटर्न ढूंढेगा इन नंबरों के दरमियान सर, वो क्या नाम है ना नॉर्मलाइज नहीं हो पाएगा बेसिकली, बेसिकली बेसिकली ये जो नंबर है ये नंबर नहीं होना चाहिए, जब मैं कह रहा हूं कि यूजिंग यूजिंग को जो है वन असाइन कर दो, तो मैं यूजिंग का बेसिकली नाम चेंज कर रहा हूं, तो नंबर जो है वो न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये कैटेगरिकल होनी चाहिए, नेम शुड बी कैटेगरिकल वेरिएबल, नंबर के तौर पे नहीं होना चाहिए, कि अब यहां पर जो वैल्यू लिखी हुई है समझना इस बात को, ट्रेन इंडेक्स के जीरो उसपे से जीरो उठा लूं तो मेरे पास वन आ गया, वन को मल्टीप्लाई करूं टेन से तो क्या आ गया टेन आ गया, तो भाई ये कैसा नाम है जो वन से मल्टीप्लाई हो जा रहा टेन से मल्टीप्लाई हो जा रहा, बिकॉज इट इज एन इंटीजर वैल्यू, दिस शुड बी कैटेगरिकल वैल्यू, नाम नाम होना चाहिए, यानी मैं अगर नाम जस्ट लाइक इंडेक्स, ठीक है ना, नाम नाम होना चाहिए, तो वो नाम नहीं है अभी नंबर की फॉर्म में, वो वेक्टर में नंबर की फॉर्म में भेजा है, तो मैंने आपको ये बात सिखाई थी कि हम उसको कैटेगरिकल वेरिएबल बनाएंगे इस तरह कि वो कैटेगरी भी रहे और उसकी नंबर वाली हैसियत भी बाकी रहे, यानी बाइनरी वन हॉट इनकोड कर देंगे, तो वो कन्वर्टेबल नहीं रहेगा फिर इंटीजर में और वेक्टर की शक्ल में आ जाएगा, और वेक्टर में जीरो वन आ रहे होंगे, ठीक है, ये वन हॉट इनकोडिंग में डिटेल में मैंने ये बात समझाई थी। तो अब हमने क्या करना है, इस नंबर को जो यहाँ नंबर आ रहा है, ठीक है, जो वेक्टर बन गया है, ये वेक्टर में दिस शुड नॉट बी नंबर टाइप, दिस शुड बी कन्वर्टेड इन, इस तरह हो जाए कि ये कैटेगरी बन जाए, इसको कोई ये ना बोले कि सात नंबर है, बल्कि ये बोले सात इसका नाम है, एप्पल का नया नाम क्या है, सात है, एप्पल का नया नंबर ना बोले, लेकिन चूंकि वो नंबर की फॉर्म में, तो अब मुझे फिर कुछ और करना पड़ेगा, मैं डायरेक्ट एप्पल को 101 में कन्वर्ट नहीं कर सकता था, इसलिए पहले उसको नंबर की सीढ़ी को उतारा, अब नंबर को बाइनरी इनकोड करके मैं कर लूंगा वेक्टर बना के, एक वेक्टर, तो वो वेक्टर जो है वो न्यूमेरिकल भी नजर आएगा और साथ साथ इनकोडेड होगा, कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू नंबर। अब ये काम जो है वो यहाँ पर हो रहा है कि हमने इनकोडिंग करनी है इंटीजर सीक्वेंसेस की, सीक्वेंस किसे कह रहे हैं, वो जो रिव्यू है उसको सीक्वेंस कह लें आप, डॉक्यूमेंट कह लें, रिव्यू कह लें, रिव्यू तो खैर पर्टिकुलर स्पेसिफिक नाम हो जाएगा, अगर वो रिव्यू के अलावा न्यूज भी हो या कोई और भी सेंटेंस हो तो हम उसको सीक्वेंस कहना ज्यादा बेहतर है सर, तो उस बाइनरी में जी सॉरी सर, हम इसको क्या बाइनरी में हम लाजमी करेंगे कन्वर्ट, मतलब ये हमारा लाजमी करेंगे, लाजमी करेंगे सर, ये बाइनरी और वन आउट इनकोड दोनों सेम है अलग अलग है, एक ही चीज है भाई, बाइनरी वन हॉट बाइनरी मैट्रिक्स बनाना होता है, बाइनरी मैट्रिक्स मुख्तलिफ तरीकों की होती है, वन हॉट इज वन टाइप ऑफ बाइनरी मैट्रिक्स, अभी मैं सिखाऊंगा ये बात, वन हॉट इज अ वन टाइप ऑफ बाइनरी मैट्रिक्स, वन हॉट ऐसा बाइनरी मैट्रिक्स होता है जिसके अंदर अगर मेरे पास वोकेबलरी का साइज 10 है तो 10 नंबर्स होंगे वेक्टर के अंदर, एक वन होगा बाकी सारे जीरो होंगे, ये होता है प्योरली वन नॉट इनकोड, ये प्योरली वन नॉट इनकोड होता है, बाइनरी ये भी है लेकिन बाइनरी में ये कौन सी टाइप है, ये वन नॉट इनकोड है, बाइनरी में ये वन नॉट इनकोड की टाइप, और भी तरह से बाइनरी बनते हैं अभी मैं दिखाता हूं, ठीक है, तो आपको बाइनरी बनाना है, वन नॉट इनकोड जरूरी नहीं है। अब बाइनरी बनाने के लिए यहाँ पर एक कोड लिखा हुआ है, मैनुअल कोड लिखा हुआ है, आप चाहें तो ये यूज कर लें, चाहें तो आप किसी और तरीके से बाइनरी में कन्वर्ट कर लें। क्या किया भाई, एक फंक्शन बनाया वेक्टराइज सीक्वेंस का, इसको बताया आपके पास सीक्वेंस आएगी यानी डेटा आएगा वन बाई वन,
या पूरा डेटा आएगा 25,000 का और उसकी डायमेंशन बता दी 10,000, यानी रॉ और कॉलम, रॉ कितनी होंगी 25,000 और फीचर्स कितने होंगे 10,000, क्योंकि हर डेटा हमने वोकैबुलरी का साइज जो है वो कितना कर देना है 10,000 कर देना है। ये बात समझ लें, कोई भी रिव्यू आएगा ठीक है। हम अभी मैंने आपको सिखाया कि सारी वोकैबुलरी मैंने जमीन पे फैला ली है और उसमें से कितनी सिलेक्ट कर ली है, जल्दी बोलें, 10,000 सिलेक्ट कर ली, 10,000 सिलेक्ट कर ली और वो सिलेक्ट किए जो सबसे ज्यादा दफा आ रही थी, ठीक है, बार बार रिपीट करते रहे इस बार। अब क्या होगा, अब अगर मेरे पास एक वर्ड है जो वोकैबुलरी यहां से आया सीक्वेंस के अंदर वेक्टराइज, अब मुझे वेक्टराइज जो मेरा वर्ड है उसका कोई टोकन होगा, यहाँ पर फॉर एग्जांपल वेक्टराइज लिखा, उसका टोकन जो है वो 8 है। अब मुझे इसको वन नॉट इन उसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो मैं कैसे करूंगा, मेरे पास एक पूरी सीक्वेंस आएगी, एक ये पूरी 10,000 की वोकैबुलरी है, समझना इस चीज को, ये पूरी 10,000 की वोकैबुलरी है और सीक्वेंस क्या है, सीक्वेंस ये है, यानी वो जुमला क्या है, जुमला जो है मैं यहाँ लिख रहा हूं जुमला ये है, जुमला ये है ठीक है। और अब क्या होगा, अब हमारे पास हम क्या करेंगे, कि अब मैं जाऊंगा यहां पर सबसे पहले व्हाट, ठीक है, 10,000 वर्ड्स, 10,000 का वेक्टर की वोकैबुलरी यूं फैली हुई है अपनी सीक्वेंस के हिसाब से, ठीक है, और ये रिव्यू है, इस रिव्यू के अंदर सब जगह 0,0,0 चल रहा होगा, लेकिन जहां वोकैबुलरी में कौन आएगा, व्हाट आएगा, वहां पर क्या हो जाएगा 1,0,0,0,0, जैसे ही ए आया वोकैबुलरी के अंदर वहां पर क्या हो गया 1। अब देखो ये वन ऑट से डिफरेंट है, ठीक है, फिर 0,0,0,0,0 कहीं जाके ग्रेट आ गया 1, कहीं जाके मूवी आ गया 1, तो टोटल कितनी वैल्यूज आ गई इस वेक्टर के अंदर, 10,000 वैल्यूज आ गई, और 10,000 में से वो सारे वर्ड्स जो इस रिव्यू के अंदर मौजूद हैं वो सारे वर्ड जो है 0 हो गए, 1 हो गए, मौजूद तो होंगे ना, क्योंकि इन्हीं की वोकैबुलरी रखी है ऊपर, लाजमी मौजूद होगा, आउट हो ही नहीं सकता। इसी तरह अब दूसरा आ गया वेक्टराइज ट्रेनिंग डेटा, उसके अंदर भी ऐसे हुआ, रिव्यू बनना शुरू हो गया, टक 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 टक, कहां से ले रहा है, यहां से ले रहा है और मैच कर रहा है, जहां वो वर्ड फॉल होगा वहां पर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, जहां नहीं होगा वहां पर 0 हो जाएगा। अब बताएं बात समझ आ रही है, यस सर, ठीक है, क्लियर है, यही कोड लिखा हुआ है यहां पर, देखो यहां पर बता दिया कि मेरे पास कितनी सीक्वेंस आएंगी, 25,000 सीक्वेंस आएंगी, 25,000 सीक्वेंस आएंगी और हर सीक्वेंस का साइज कितना होगा भाई, कितना होगा 10,000 होगा, ये एरे बना दी एक जीरोस की, नंपाई के थ्रू 0,0 की एक मैट्रिक्स बना दी, 25,000 मल्टीप्लाई बाय 10,000, क्योंकि ट्रेनिंग डेटा में 25,000 डेटा मौजूद है और यहाँ कॉलम बता दिए 10,000, तो 25,000 जरब 10,000 के आपकी ये मैट्रिक्स बन गई 0,0 की, ठीक है भाई, 0,0 की ये मैट्रिक्स बन गई। उसके बाद यहाँ पर क्या बोला, फर्दर बोला कि भाई अपनी सीक्वेंस को, सीक्वेंस में जो सीक्वेंस आ रही है उसमें से एक सीक्वेंस उठाओ, यानी पहला रिव्यू उठाओ
पहला रिव्यू उठा के इन्यूमरेट करो, इन्यूमरेट करना आता है ना, इंडेक्स लगाओ, तो इंडेक्स आई में आ गया और सीक्वेंस में से जो वर्ड आ रहा है, सीक्वेंस में से सीक्वेंस आ रही है, एक सीक्वेंस वो इसके अंदर आ गई, ठीक है। अब रिजल्ट आई जीरो सीक्वेंस, जहां पर वो वैल्यू आ रही है वहां पर क्या लगा दो, वन लगा दो, बाकी सब जगह जीरो जीरो लगा दो, तो पूरी सीक्वेंस आइटरेट होगी, जहां वो वर्ड फॉल होगा वहां वन लग जाएगा, बाकी सब जगह जीरो, तो ट्रेनिंग डेटा भी और टेस्टिंग डेटा भी दोनों कन्वर्ट हो जाएंगे। अभी मैं इसको चला के दिखाता हूं कि हमारे पास क्या बना। सर ये वन डॉट का क्या मतलब होता है, खाली वन फ्लोटिंग पॉइंट में रखा है, फ्लोटिंग पॉइंट में रखा है, इंटीजर नहीं रखा। थोड़ा टाइम लेगा क्योंकि बहुत बड़ी मैट्रिक्स बन रही है, कन्वर्जन हो रही है। मैं देखता हूं एक्स ट्रेन में मेरे पास क्या बन गया, देखो सारे जीरो जीरो हो गए, इसमें से मैं जीरो उठाता हूं, ये देखो जहां जहां एक्सट्रेन के वर्ड्स आए होंगे वहां वहां जीरो। इसकी लेंथ भी अगर मैं निकालूं तो कितनी लेंथ आएगी, जल्दी बताओ। सर 10K 10,000, ठीक है 10,000 की लेंथ आ रही है। और कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, सब नजर आया, वही हुआ जो हम सोच रहे थे अभी। यस सर, जहां जहां उसके वन आए होंगे, ये वन ऑड इनकोड नहीं हुआ है, बाइनरी इनकोड हुआ है, इसका नाम दूसरा है, अभी बताता हूं क्या नाम है। जी भाई सब ओके करेंगे तो आगे चलेंगे। सर क्लियर है, कैसे क्लियर सर, वन ऑड इनकोडिंग में भी तो यही स्टेप होगी ना। अरे यार वन ऑड इनकोडिंग अभी मैंने बताया, उसमें एक ही वन होता है, इसमें दो कैसे आ गए। और सर वन हॉट एनकोडिंग में सर उसका फंक्शन भी होता है ना सर, वन हॉट एनकोडिंग, उससे भी पता चल जाता है। जी हाँ, ठीक है, इसको हम जो काम अभी किया है जी, इसके लिए कोई बिल्ट इन फंक्शन कौन सा होगा, भी करवाऊंगा मैं, करवाऊंगा। इसको हम कहते हैं बैग ऑफ वर्ड्स, ठीक है, ये वर्ड्स का जो मैंने बैग बनाया था वोकैबुलरी का, उसके थ्रू हमने काम किया, जो जो आता जा रहा है बैग में से उसको वन करते जा रहे हैं, ठीक है भाई। क्लियर है सर, आगे जाओ, चलता हूं। अभी भी कोई फंसा हुआ है तो भाई बता दे, बाद में फिर रह जाएगा। अच्छा जी, वेक्टराइज हो गया, देख लिया हमने, उसके बाद हमने लेबल्स की टाइप चेंज कर ली, प्लॉट, क्योंकि हमने वहां पर प्लॉट में डेटा यूज कर लिया है, तो यहाँ लेबल्स को इनकोड करने की जरूरत है क्या। सर इधर आपने बो क्या लिखे, व्हाट इज बो, वो मतलब बैग ऑफ वर्ड्स, ये जो टेक्निक इस्तेमाल हुई है ना वन ऑड, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करने की, बाइनरी कोडिंग, इसको कहते हैं, इसको हां इसको बैग ऑफ वर्ड्स कहते हैं, वन ऑड इनकोड नहीं किया हमने, बैग ऑफ वर्ड्स, बेसिकली वो वन ऑड इनकोड ही है, थोड़ा सा मॉडिफाइड वर्जन है। इसके लेबल को इनकोड करने की जरूरत है क्या, बाइनरी क्लासिफिकेशन के अंदर लेबल दो ही होते हैं, 0 1, तो ऑलरेडी 0 1 है, जरूरत नहीं है उसको, तो इसलिए सिर्फ इसकी टाइप चेंज करिए। अब फर्दर जो है वो नेटवर्क बनाया है यहां पर, अच्छा जी सिग्मोइड फंक्शन है, अभी इस पे बात करेंगे हम आराम से।
ये नेटवर्क बना लिया है। क्या क्या हो रहा है भाई? रेलू 10,000 का इनपुट, 10,000 का इनपुट क्यों है भाई? क्योंकि हर सीक्वेंस के अंदर 10,000 की का वेक्टर आएगा। कंफ्यूजन तो नहीं है ना यहाँ पर? अब तो सियाणे हो गए इस मामले में। क्लियर है सर? ठीक है, ये मॉडल बन गया। इसको कंपाइल शंपाइल चलाते हैं। क्या है भाई? अच्छा, के बाद तो कंपाइल, ठीक है। ऑप्टिमाइजर आरएमएस प्रॉप यूज किया है, लॉस बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी यूज किया है क्योंकि बाइनरी है, मैट्रिक्स एक्यूरेसी का इस्तेमाल किया है, मैट्रिक्स पढ़ चुके हैं पिछली क्लास में। कंपाइल चला दिया। कंपाइल के बाद अच्छा, अगर आपको कॉन्फ़िगर करना है, लर्निंग रेट वगैरह अपना डालना है, तो फिर आप ऑप्टिमाइजर को इंपोर्ट करके लर्निंग रेट वगैरह यूं करके डाल सकते हैं, अगर आप करना चाह रहे हैं, वरना जरूरत नहीं है। अब बाज लोग कॉपी पेस्ट मार रहे होते हैं, ये वाला भी कंपाइल पेस्ट कर दिया, ये वाला भी कंपाइल पेस्ट कर दिया, फिर अल्लाह के बंदो देख तो लो, दो दो बार कर छपाई, तीसरी बार ये भी घुसा दिया उसके अंदर। दिस इज ऑप्शनल टू चेंज के मैट्रिक्स बाइनरी एक्यूरेसी इस्तेमाल करना है, मैट्रिक्स की वजह से और भी चीजें आ रही होंगी। अगर आपको च्वाइस देनी है तो आप एडिशनली इम्पोर्ट चला के उनको अपना कॉन्फ़िगरेशन जो है वो अपनी डाल सकते हैं। अभी यहाँ पर जो किया है उसमें कॉन्फ़िगरेशन नहीं डाली है, हार्ड कोडेड बट डाल दिया, तो यू कैन डू इट। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं और कॉन्फ़िगर के थ्रू भी देख सकते हैं। तो मैंने अभी डाल दिया विदाउट लर्निंग रेट। आखिर में यहाँ पर वैलिडेशन अप्लाई हो रही है। अच्छा, हमने इससे पहले वैलिडेशन वाला काम नहीं किया था, हमने जस्ट ट्रेनिंग और टेस्टिंग की है, ट्रेनिंग और टेस्टिंग की है। वैलिडेशन एक तीसरा स्टेप है जो दरमियान में किया जाता है। अच्छा, ये सब हटा दूं ना, पहले इतने गंद मच गए। यस सर, वो एक बात समझ नहीं है सर, वो जी सर जो इनपुट शेप था ना उसमें जो 10,000 लिखा हुआ था सर, वो रिव्यू है या मतलब एक पूरे सेंटेंस है या मतलब एक फास्ट वर्ड का रिव्यू, मतलब वो है 10,000 समझ नहीं आया मुझे भैया। अभी मैंने यहाँ पर एक बात बताई थी कि जो वेक्टर बना है एक रिव्यू के लिए, एक रिव्यू के लिए बना था ना जी, जी। अभी मैंने यहाँ सेंटेंस क्या लिखा था, मैंने लिखा था भाई एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉग अवे। अच्छा, ये मैंने सेंटेंस लिखा था, ये एक सेंटेंस हो गया। एक दूसरा सेंटेंस आया कोई सा भी, ठीक है ये हो गया, ये सीक्वेंसेस हैं। अच्छा भाई, इनकी वोकैबुलरी का जो बॉक्स है, बैग है, वो कहीं पड़ा हुआ है। इनका साइज यहां से लेके यहां तक 10,000 का वेक्टर बनेगा, ठीक है। अब मैं ये कर रहा हूं 10,000 का साइज है। अभी उस 10,000 वाली वोकैबुलरी में पहले नंबर पे ज़रा एन नहीं मिला उसे, जीरो, एप्पल नहीं मिला, अभी दूसरे पे एन नहीं मिला, तीसरे पे एन नहीं मिला, उसको एन मिला यहाँ पर, उसने यहाँ इसको वन कर दिया। कहाँ एन मिला? ये एन ढूंढ रहा हूं यहाँ जो वोकैबुलरी का बैग है वहां पर कहाँ रखा हुआ है,
आगे यहाँ पर, फिर एप्पल ढूंढा एप्पल यहाँ पर मिला वन कर दिया, फिर डे ढूंढा डे यहाँ पे मिला वन कर दिया, फिर डॉग ढूंढा, मतलब सारे वर्ड ढूंढ लिए, बाकी सब जो है वो जीरो हो गए। ठीक है सर, जो वर्ड्स हमने बीच में ड्रॉप कर दिए थे उनको तो वन नहीं करेगा ना, जैसे एन ड्रॉप देना, मतलब वो तो ड्रॉप देना, वो होंगे नहीं यहाँ पर, होंगे नहीं। अच्छा अब ये बताओ कि ये 10,000 का वेक्टर बन गया जी सर, तो अब जब इनपुट आएगा इसके लिए तो ये 10,000 का वेक्टर आएगा इनपुट, फिर इसके लिए दोबारा से 10,000 का वेक्टर बनेगा नीचे, इसके लिए दोबारा से 10,000 का वेक्टर बनेगा नीचे, इसके लिए दोबारा से 10,000 का वेक्टर बनेगा नीचे, और ऐसे कितने वेक्टर बन जाएंगे भाई? 25,000 25,000 वेक्टर बन जाएंगे, क्योंकि हमने मैट्रिक्स का साइज भी कितना रखा हुआ है भाई, 25,000 × 10,000। चलूं आगे अब? जी सर, यस सर आगे जाओ। अच्छा भाई, वैलिडेशन अप्रोच क्या होती है कि अभी तक हमने टेस्टिंग की थी और ट्रेनिंग की थी, यानी डेटा हमारा जो है वो दो हिस्सों में टूट रहा था, अगर आप सबको याद हो वो दो हिस्से कौन कौन से थे भाई, टेस्टिंग और ट्रेनिंग सर, ट्रेनिंग और टेस्टिंग। ठीक है, ट्रेनिंग और टेस्टिंग। अब हमारे पास जो है, हम अपने डेटा को एक तीसरे पार्ट में तोड़ रहे हैं, वो पार्ट जो है वो वैलिडेशन कहलाता है। यानी अब होगा क्या, अब होगा ये कि हमारा डेटा जो है ट्रेनिंग डेटा को हम, उस ट्रेनिंग डेटा में से कुछ डेटा हम वैलिडेशन के लिए ले लेंगे। ठीक है, वैलिडेशन डेटा, ट्रेनिंग डेटा, और ये हमारे पास टेस्टिंग डेटा। अच्छा सवाल पूछ नहीं रहा कोई, क्यों ले लेंगे जी, क्यों ले लेंगे भाई? मतलब ताकि ट्रेन के दौरान हम उसको टेस्ट दें। अब हम क्या करेंगे, ऐसा इसलिए कर रहे हैं, देखो केस क्या था कि जब मैंने यहाँ पर अपने मॉडल की ट्रेनिंग कराई, सारा ट्रेनिंग देता रहा और सारे ईपॉक चला दिए, एक्यूरेसी जो है वो 100% आ गई, 99.9 आ गई, किसके ऊपर आ गई, ट्रेनिंग के ऊपर। फिर उसके बाद क्या हुआ, जब मैंने इस मॉडल को टेस्टिंग डेटा देना शुरू किया, तो टेस्टिंग डेटा देते वक्त ये मॉडल जो है वो 99 की बजाय 89% पे रुक गया, 99 और 89 पे क्या क्रिएट हो गया इसके अंदर, सर ओवरफिटिंग हो गई, 10% की ओवरफिटिंग आ गई, जो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। अब देयर आर मैनी रीजंस, वो रीजन हम पढ़ेंगे बाद में कि ये ओवरफिट क्यों हुआ होगा, लेकिन एक प्रॉब्लम हो गई हमारे साथ, प्रॉब्लम ये हो गई कि मॉडल जो है वो मेरा ट्रेनिंग डेटा भी देख चुका, एक्सपोज हो गया उसको, और मेरा टेस्ट डेटा भी मॉडल को एक्सपोज हो गया, यानी अब मेरे पास कोई ऐसा डेटा नहीं बचा है जो अनसीन हो मेरे मॉडल के लिए, मर गए। अब या तो नया डेटा जी, मॉडल को रीइनिशियलाइज करते हैं, रीइनिशियलाइज मसले का हल थोड़ी होता है, रीइनिशियलाइज का मतलब है आपने नया मॉडल क्रिएट कर दिया, यही है ना जी, तो ये अब मसले का हल नहीं होता, ये टेस्टिंग डेटा तो उसको नहीं पता होगा ना जो नया मॉडल बनाएंगे। मेरा बेटा मैं ये कह रहा हूँ रीइनिशियलाइज कॉस्ट लगती है उसकी, कॉस्टिंग होती है उसकी, रीइनिशियलाइज करना मतलब ये थोड़ी होता है कि उसको अगर ये मॉडल काम नहीं कर रहा तो इसको उठाए कचरे में फेंक दो, रीइनिशियलाइज करके दूसरा बना लो, ये हल थोड़ी है, या सही है आपके ख्याल में? इसीलिए वैलिडेशन आया है सर, या सही है ऐसा करना चाहिए, उस मॉडल को किल कर दिया जाए
और नया मॉडल ले लिया जाए, ठीक है। अब मसला ये है कि हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि भाई टेस्टिंग में तो एक्यूरेसी 99% आ रही है, हम बड़े खुश हो रहे थे लेकिन टेस्टिंग में फेल हो गए तो ये हमारे लिए प्रॉब्लम हो गई। हम ये करेंगे कि भाई टेस्ट डेटा अपना उस वक्त तक एक्सपोज नहीं करेंगे जब तक हम मेक श्योर ना कर लें, जब तक हम मेक श्योर ना कर लें कि टेस्टिंग एक्यूरेसी सही आएगी, पहले से पता होना चाहिए हमें। उसके लिए हमने ट्रेनिंग में से कुछ डेटा निकाल लिया वैलिडेट करने के लिए। अब क्या होगा जब हमारे पास पहला ईपॉक में ट्रेनिंग मुकम्मल होगी, जितनी भी ट्रेनिंग हुई है उसी वक्त वैलिडेशन डेटा जो अनसीन होगा ड्यूरिंग ट्रेनिंग इसको दे देंगे और चेक करेंगे। अगर टेस्टिंग में कह रहा है यार मेरी 90 आ गई है, परसेंट आ गई है, तो अभी हम उसको हाथ के हाथ उसका टेस्ट ले लेंगे अनसीन डेटा पे, क्योंकि बताओ अब वो पता चला 80 आ रही है, इसका मतलब अभी बहुत गुंजाइश है। फिर दूसरा ईपॉक चलाएंगे उसी ट्रेनिंग डेटा पे और वैलिडेशन डेटा उसे दोबारा देंगे, अब वो बढ़ जाएगा थोड़ा, बढ़ते 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 जब ईपॉक खत्म होंगे तो ये ट्रेनिंग और वैलिडेशन कमोबेश जो है वो बराबर हो गई होगी, या 98-97 कुछ बहुत कम यहाँ आ रही होगी। बट यहाँ पर हम कुछ हद तक श्योर हो चुके होंगे कि हमने अपने मॉडल को खाली ट्रेनिंग नहीं कराई है, हमने अपने मॉडल को साथ साथ जो है वो टेस्टिंग भी कर ली है। नाउ वी आर श्योर कि हमारा मॉडल 98 के पास पास तो जाएगा ही जाएगा टेस्ट डेटा के ऊपर, ठीक है। इसको समझाने के लिए मैं एक मिसाल देता हूँ बड़ी छोटी सी, जिससे बात समझ में आ जाती है कि मैं आप कोई टीचर जो है ना वो आपको रोज एक महीने तक जो है ना वो एग्जाम की तैयारी कराता रहे कराता रहे कराता रहे कराता रहे, आप वही सवाल सॉल्व किए आ रहे हैं, 5 ईयर सॉल्व कर रहे हैं, पास्ट पेपर सॉल्व कर रहे हैं, आपको सब आ गया, टीचर भी खुश आप भी खुश कि जबरदस्त तैयारी हो गई, 100% तैयारी हो गई। पता चला जी एग्जाम देने गए वहां पर और फेल होके आ गए, बोले ये क्या मजाक हो गया भाई, 100% तैयारी की थी एग्जाम में जाके फेल हो गया आ गए, लेकिन अब कुछ कर नहीं सकते क्योंकि एग्जाम हो गया, अब आपके पास चॉइस बची नहीं, बिल्कुल इस तरह से हमने टेस्ट डेटा दे दिया तो हम कुछ कर नहीं सकते, अब दोबारा ही एग्जाम देंगे अगली दफा। तो अगली दफा जब होगा तो अब अगली दफा टीचर ये नहीं करेगा कि भाई आप जो है ना वो आपको सिखाया जा रहा है, बोर्ड पे सवाल किए जा रहा है, आप छापे जा रहे हो, कहने सर सब याद हो गया, सब जबरदस्त हो गया, आपके बोलने पे यकीन नहीं करेगा। अब क्या करेगा, जैसी क्लास खत्म हो जाएगी तो क्लास के बाद जो है ना वो आपका रिव्यू टेस्ट लेगा, क्लास टेस्ट जिसे हम कहते हैं, बोर्ड के एग्जाम से पहले एग्जाम होते थे ना प्रिलिमिनरी एग्जाम, तो क्लास टेस्ट लेगा हर क्लास के बाद, जो पढ़ाया है उसका टेस्ट दो, जो पढ़ाया है उसका टेस्ट दो, जो पढ़ाया है उसका टेस्ट दो, इससे उसे अंदाजा होगा कि वैलिडेशन कैसी जा रही है, लर्निंग हो कैसी रही है, लर्निंग हो कैसी रही है। जब 30 दिनों के बाद आपके 30 दिनों का रिकॉर्ड होगा क्लास टेस्ट का, तो टीचर जो है ना श्योर होगा कि आपको अब एग्जाम में भेजे जाने के काबिल हैं या नहीं है, अगर अभी भी रिजल्ट खराब आ रहे हैं तो फिर टेस्ट नहीं, बोर्ड में नहीं बिठाया जाएगा आप, ठीक है। तो वैलिडेशन बिल्कुल ऐसे ही काम कर रहा है कि हर ईपॉक की ट्रेनिंग के बाद आपका एग्जाम ले रहा है, हर ईपॉक की ट्रेनिंग के बाद आपका एग्जाम ले रहा है, सो दैट आप मेक श्योर करें कि भाई ये आपकी तैयारी जो है सही हो जाए। यहाँ बहुत सारे सवाल रेज होते हैं, yes, सवाल ये है कि भाई जब ट्रेनिंग पे ईपॉक चल रहा है और मैं वैलिडेशन डेटा दे रहा हूँ तो वो डेटा भी तो रिपीटेड डेटा है, वैलिडेशन में भी तो वही डेटा बार बार टेस्ट के लिए दे रहा हूँ मैं, समझ में आ रही बात? yes, मैं ये कह रहा हूँ कि भाई ये ट्रेनिंग के अंदर मेरे पास 80 सवाल हैं और वैलिडेशन के अंदर मेरे पास 20 क्वेश्चंस हैं, मैंने पहला ईपॉक चलाया, ईपॉक वन चलने के बाद जो ट्रेनिंग एक्यूरेसी है वो आ गई 90%, मैंने वैलिडेशन के 20 सवाल दिए, एक्यूरेसी आ गई 90%, चलो जी गुड है। फिर मैंने कहा यार ट्रेनिंग डेटा क्योंकि रिलायबल नहीं होता, बार बार वही डेटा दे रहा होता हूँ, तो मैंने दोबारा चलाया ईपॉक नंबर टू चलाने के बाद एक्यूरेसी हो गई 92,
लेकिन वैलिडेशन में भी तो वही डेटा दे रहा हूँ, आप बोले सर टेस्ट भी तो उसी पहले टेस्ट तो दे चुका हूँ इस डेटा का, तो फिर ये भी तो रिलायबल नहीं रहा, ये भी तो रिलायबल नहीं रहा। तो उसका जवाब ये है, यहां पर एक कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम कहते हैं मेमोरी लीक या मेमोरी बस्ट। जब हम टेस्ट ले रहे होते हैं और सेम डेटा दे तो रहे हैं, ट्रेनिंग में तो हम सिखा रहे होते हैं ना, लेबल भी दे रहे हैं, डेटा भी दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, जब वैलिडेशन कर रहे होते हैं तो खाली डेटा दे रहे होते हैं, लेबल अपने पास ही रखा होता है, बाद में वेरीफाई करता है। तो यहाँ पर जो फिनोमेना इस्तेमाल होता है वो मेमोरी बर्स्ट का नहीं होता, डेटा लीक का नहीं होता या डेटा बर्स्ट का नहीं होता, डेटा बर्स्ट का नहीं होता, डेटा लीक का होता है। ठीक है, इसको आप यूं समझ लें कि भाई सबने वो अपने यूनिवर्सिटी कॉलेजेस के अंदर वाइवा देते थे ना, वाइवा किसने किसने दिया हुआ है? सबने दिया, सबने दिया है। अच्छा, कभी ऐसा होता था कि जैसे ही एक बंदा अंदर से वायवा दे के निकल के आता था पूरी क्लास चिपक जाती थी उसके ऊपर ना, क्या सवाल पूछा है। लेकिन उस बेचारे को एक दो सवाल के अलावा कुछ याद ही नहीं होता था क्या पूछा है। सही कह रहा हूँ मैं? यस सर, वो झूठ नहीं बोल रहा होता ना, वाकई ऐसा होता था, आपके साथ भी ऐसा होता कि आप वहां से 20 सवाल पूछे, वहां 15 सवाल पूछे, लेकिन बाहर निकल के आपको एक दो याद, हाँ यार ये पूछा, और याद नहीं आ रहे। बताते नहीं, लेकिन आमतौर पर यह होता है कि वो हमें याद ही नहीं होता असल में ना, क्योंकि वहां सबसे सवाल पूछे जा रहे तो जवाब नहीं होते, और प्लस अंडर प्रेशर भी इतने होते हैं कि बाहर निकल के हमें कुछ याद ही नहीं आ रहा था क्या क्या पूछा, जो जो एक दो याद हो गया बता दिए। तो अब उसमें होता क्या है, उसमें यही होता है कि अगर उसको पूरे की पूरी मेमोरी हो ना, याद हो के तुम्हारा ये टेस्ट लिया गया, ये सवाल पूछे गए, तो वो मेमोरी बर्स्ट है कि सिर्फ 10 के 10 सवाल याद है, लेकिन क्या होता है वो 10 में से सिर्फ एक या दो ही याद होते हैं, वो भी अधूरे या घुमा फिरा के टीचर ने पूछा था, वो भी क्या घुमाया था ये भी याद नहीं होता, टॉपिक याद होता है। तो उसको कहते हैं लीकेज, डाटा लीकेज, ये लीकेज है। तो ये जो 20 सवाल दे रहा हूँ वैलिडेशन के अंदर और ये दोबारा दे रहा हूँ, तो मॉडल के लिए दूसरी दफा जब वो सवाल आ रहे होंगे तो पहली दफा से सिर्फ लीकेज होगा, 10% भी उसको याद नहीं होंगे कि पीछे जो है ना टेस्ट में ये सवाल हुए हैं लीकेज की वजह से। लेकिन अगर ये लीकेज भी बहुत दफा चला दूंगा तो बस्ट हो जाएगी, ईपॉक बहुत चला दी है, बहुत ज्यादा वैलिडेशन कर दी, तो फिर वो सारी चीजें उसे याद हो जाएंगी, लीकेज वाला फिनोमिना डेटा बस्ट में तब्दील हो जाएगा। तो ये थोड़ी थोड़ी लीकेज होती है वाला मामला तो ह्यूमंस के साथ है, मशीन्स के साथ कैसे हो गया या इसके ये मशीन्स के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही मामला है, मशीन्स के साथ भी बिल्कुल जो है वो ऐसा ही मामला है, क्योंकि वो पैटर्न जब वो प्रेडिक्ट करने जा रहा है इसका आंसर प्रेडिक्ट करने जाएगा वैलिडेशन में, तो पैटर्न तो ढूंढेगा ना, पैटर्न लर्निंग होगी या नहीं होगी, डेफिनेटली होगी, उसी की बिहाफ पे तो आंसर देगा। लेकिन जब अगली दफा ईपॉक में आएगा तो वो जो पैटर्न लर्निंग थी यहाँ टेस्टिंग होने की वजह से, वो पैटर्न लर्निंग का सिर्फ उसे 10% भी याद नहीं रहेगा। ये थोड़ा सा फिलोसफिकल भी है, थोड़ा सा रिसर्च बेस्ड टॉपिक भी है ये, ठीक है, इसलिए मैं सिर्फ बता रहा हूँ सो दैट पता रहे कि सवाल जो है वो पूछा जा सकता है कभी कहीं आपसे, तो आप याद रहें कि यहाँ डेटा बस नहीं होता बल्कि डेटा लीक होता है, बुक में भी जिक्र है इसका, ठीक है। तो यहाँ अब जो हम काम करने, जी सर, पैटर्न लर्निंग कैसे होगी, हम उसे आंसर तो नहीं दे रहे, सिर्फ क्वेश्चन दे रहे हैं, सिर्फ इनपुट्स दे रहे हैं, ठीक है, उसकी लर्निंग तो नहीं होगी इन टेस्ट। अच्छा मैं बताता हूँ, ट्रेनिंग से करें, इसके अंदर होता ये है, ये पैटर्न लेता है, पैटर्न लेने के बाद ये अपना आंसर प्रिडिक्ट करता है, प्रिडिक्टेड वैल्यू निकालता है, प्रिडिक्टेड वैल्यू जब मैच होती है ओरिजिनल वैल्यू के साथ तो उसे पता चलता है तुम्हारा आंसर फॉल्स है या क्या है, ट्रू है। जैसे ही उसे पता चलता है कि तुम्हारा आंसर फॉल्स है तो वो दूसरी क्लास की लर्निंग कर लेता है। अच्छा ओके सर,
फॉल्स है, गलत हुआ है, तो इसका मतलब ट्रू जो है उसका ये होगा। तो ड्यूरिंग ट्रेनिंग टेस्टिंग भी लर्निंग का फिनोमिना जो है वो जारी रहता है। ओके सर, क्लियर। अच्छा जी, अब ये वैलिडेशन कर लिया हमने, यहां से निकाला वैलिडेशन। वैलिडेशन में क्या बोल रहे हैं हम इसको, कि ट्रेनिंग डेटा के अंदर से शुरू के 10,000 रिकॉर्ड्स स्लाइस करके वैलिडेशन में डाल दो, और 10,000 से आगे के जो रिकॉर्ड हैं उनको पार्शियल एक्स ट्रेन में डाल दो। अब हम हमारा जो एक्स ट्रेन है वो दो हिस्सों में टूट गया, शुरू के 10,000 एक्स वैलिडेशन और आगे के 10,000 के आगे के 15,000 पार्शियल एक्स ट्रेन में डाल दी। ठीक है, इसी तरह से वाई के अंदर लेबल्स के साथ भी यही काम किया, 10,000 लेबल वहां डाल दी, 10,000 यहां डाल दी। अब हमारे पास ट्रेनिंग हिस्सा दो हिस्सों में टूट गया है, एक्स वैलिडेशन वाई वैलिडेशन, पार्शियल एक्स ट्रेन पार्शियल वाई ट्रेन। सर, हमने जब इस डाटा की प्रीप्रोसेसिंग की तो आपने बताया था कि हम लेमनाइजेशन और स्टेमिंग भी करते हैं, तो सर इस कोड में हमने कहाँ किया है ये, या नहीं करने की जरूरत पड़ी? हमने नहीं किया है, अभी हमने नहीं किया है, क्योंकि यहाँ वेक्टराइज हुआ हुआ मिला था ना मुझे, यहाँ पर तो मुझे वेक्टराइज हुआ हुआ मिल गया था, इसलिए यहाँ पर नहीं किया है। अभी मैं एग्जाम्पल कराऊंगा उसकी, ठीक है, अभी एग्जाम्पल कराऊंगा। यहाँ हमने दे दिए, देखो ट्रेनिंग के लिए क्या दे रहा हूं मैं, पार्शियल एक्स ट्रेन पार्शियल वाई ट्रेन, और वैलिडेशन डेटा दे दिया मैंने एक्स वैलिडेशन और वाई वैलिडेशन। ठीक है, मॉडल डॉट फिट चलेगा, सब कुछ हिस्ट्री में चला जाएगा। पिछली क्लास में जोहा पूछा था कि भाई कैसे कॉल बैक में हिस्ट्री निकालते हैं, तो वो यहाँ पर निकालेंगे। देखो दो आंसर आएंगे अब यहाँ पर, लॉस एक्यूरेसी और साथ साथ ट्रेनिंग लॉस और ट्रेनिंग वैलिडेशन लॉस और एक्यूरेसी भी आएगी। यार अब हर ईपॉक के बाद वैलिडेशन हो रही है, ट्रेनिंग एक्यूरेसी 79 है, वैलिडेशन में एक्यूरेसी जो है वो ज्यादा आ रही है 87 माशाल्लाह। तो ये ईपॉक जो है कितने चल रहे हैं, 20 ईपॉक चल रहे हैं। ठीक है जी, 20 ईपॉक चलने के बाद ट्रेनिंग एक्यूरेसी तो बिल्कुल 100% करीब हो गई, लेकिन वैलिडेशन एक्यूरेसी देखो कहां पर आ रही है, 86 पे आ रही है, 86.7, 86.75, 75, 56, 86.6, 87.7, 87.0, 87.1, 87.5, 87.8, 8 अभी तक की मैक्सिमम है वैलिडेशन, 87.9, 9 भी हो गई मैक्सिमम, 9999999999995, तो सबसे ज्यादा जो है वो 87.9 वैलिडेशन एक्यूरेसी है। इस वक्त ट्रेनिंग एक्यूरेसी जो है वो कितनी थी, 98.3। अच्छा, यहां से हमें क्या क्या हासिल हुआ ये स्टडी करना बहुत जरूरी है। देखो अभी यहां से मुझे पता चल गया कि मेरा जो मॉडल है वो वैलिडेशन में यानी टेस्टिंग के अंदर ये एक्यूरेसी दे रहा है अभी, लेकिन मेरा बच गया है ये चीज, मुझे बगैर अपना टेस्ट डेटा लूज किए बगैर, अपना टेस्ट डेटा लूज किए बगैर ये चीज जो है मुझे पता चल गई कि भाई मेरा जो मॉडल है उसकी स्ट्रेंथ जो है वो 9th ईपॉक के बाद क्या हो रही है, गिर रही है। एक्यूरेसी जो है टेस्टिंग पर या वैलिडेशन पे 9th ईपॉक के बाद कंटिन्यूअसली कम हो रही है, कम होती जा रही है 1 से 0 पे। ठीक है, यानी देखो 86 पे आ गया, 6 पे आ गया एंड सो ऑन। ठीक है, एक तो बात ये पता चल गई, इसका मतलब ये है कि जो आर्किटेक्चर मैंने बनाया है उसकी स्ट्रेंथ ये है,
इसकी स्ट्रेंथ ये है कि वो नाइन्थ ईपॉक के बाद, मेरे जुमले गौर से सुन लीजिएगा, इसको ऐसे ही स्टडी करते हैं, उसकी स्ट्रेंथ ये है कि वो नाइन्थ ईपॉक के बाद ओवरफिट हो जाएगा। ओवरफिटिंग का पता चल रहा है मुझे विदाउट लूजिंग माय टेस्ट डेटा, वैलिडेशन में ही पता चल रहा है कि नाइन्थ ईपॉक से ज्यादा चलाना फजूल है। नंबर टू, अगर नाइन्थ ईपॉक पे 87 मुझे ये थोड़ा सा प्लीज रिपीट कर दें, कैसे पता लगा कि ओवरफिट यहां पे हो गया हमें नाइन्थ ईपॉक के बाद? लाइनिंग एक्यूरेसी कितनी है? 0.983। वैलिडेशन एक्यूरेसी कितनी है? 0.87। डिफरेंस आ रहा है ना, डिफरेंस ज्यादा हो गया, 11% का डिफरेंस आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि नाइन्थ ईपॉक तक तो मेरी वैलिडेशन एक्यूरेसी भी बढ़ रही थी, उसके बाद वैलिडेशन एक्यूरेसी भी गिरना शुरू हो गई, हर दफा कम हुई। दूसरा ये है कि अभी मैंने टेस्ट डेटा लूज नहीं किया है, तो मैं अपने मॉडल, अगर मेरे लिए एक्यूरेसी एक्सेप्टेबल नहीं है तो मैं अपने मॉडल का आर्किटेक्चर चेंज कर सकता हूँ यहीं पर, ठीक है, मैं कोई लेयर लगा सकता हूँ, मैं सारी चीजें या ऑप्टिमाइजर चेंज कर सकता हूँ, ठीक है, जो भी चेंजेस करनी है वो मैं कर सकता हूँ, और मॉडल ने अपनी स्ट्रेंथ जो है इन दिस आर्किटेक्चर मॉडल ने अपनी स्ट्रेंथ जो है वो एक्सपोज कर दी है, ठीक है। तो अब मैं अपने हॉपर पैरामीटर्स जो है वो वहां पर टून अप कर सकता हूँ, चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। यानी अगर मैं चाह रहा हूँ यार लॉस फंक्शन शायद सही नहीं है, या ऑप्टिमाइजर अच्छा वाला इस्तेमाल करता हूँ, ऑप्टिमाइजर की लिस्ट हमारे पास है, हम यहाँ से दूसरा कोई ऑप्टिमाइजर जो है वो ले सकते हैं, RMS प्रॉप लगा हुआ है हमारे पास, देर आर लिस्ट ऑफ ऑप्टिमाइजर्स जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं, मुख्तलिफ ऑप्टिमाइजर्स जो है वो हम ट्राई कर सकते हैं। हम RMS प्रॉप यूज किया है, हम SGD इस्तेमाल करके देखते हैं। सर हमें इपोक कम नहीं करनी चाहिए अभी? अभी करेंगे, अभी करेंगे, उसी तरफ आ रहा हूँ, पहले ऊपर तो मसला हल कर लूँ, नीचे आता हूँ, जब फिट में आऊंगा तो फिर बताऊंगा। मैंने यहाँ पर ये हॉपर पैरामीटर SGD इस्तेमाल कर लिया, और मैंने कहा यार क्योंकि 9 ईपॉक के बाद मॉडल का आर्किटेक्चर फिट हो जा रहा है, ओवर फिट हो जा रहा है, तो मैं इसको 9 तक ही चलाऊंगा, ठीक है। अब मैंने ऑप्टिमाइजर चेंज किया, मैंने मॉडल को रिक्रिएट नहीं किया। लॉस फंक्शन भी चेंज कर सकते हैं, लॉस फंक्शन बाइनरी क्लासिफिकेशन में बाइनरी अच्छा है। मॉडल रिक्रिएट नहीं हो रहा है, मॉडल रिक्रिएट होगा तो फायदे ही क्या। यहाँ हमने फिट में आ गए, ईपॉक चेंज कर दी है, मैंने कहा चलो थोड़ा बैच साइज भी चेंज कर देता हूँ यार, बैच साइज जो है ना 256 कर देता हूँ, वैसे ही जो समझ में आ रहा है वो कर रहा हूँ। अब दोबारा चला के देख लिया मैंने, अच्छा जी, 9 ईपॉक चलने के बाद 80% आ रही है और यहाँ पे 81% आ रही है। ओवरऑल एक्यूरेसी तो कम हुई है, लेकिन आपके पास ओवरफिटिंग लेवल थोड़ा कम है, तो ये कर सकता हूँ मैं अब, शायद ये SGD की वजह से हो रहा है। लेट मी डू दिस फॉर 20 ईपॉक, फिर देखता हूँ मैं कहाँ तक जा रही है। ये वो आइट्रेशंस हैं जो आपने खुद अपने मॉडल पे चलानी होंगी हर दफा। अरे आइट्रेशन सर वो ऐड नहीं हो रही, मतलब जो पीछे पहले 20 चलाए थे फिर 9 चलाए थे, तो वो 20 के बाद 21 से शुरू होगी दोबारा स्टार्टिंग, आगे से शुरू हो रहा है उसी के आगे से।
अभी वैसे डिस्कस करता हूँ इस बात को मैं। यानी एसजीडी से ट्रेनिंग भी लो डाउन हो गई है, लेकिन ओवरऑल ओवरफिटिंग जो है वो कुछ और ट्राई करते हैं। मैडम क्या नाइन्टी से शुरू किया अच्छा भाई, किसी भी सूरत में देखो 87 का फिगर क्रॉस नहीं हो रहा है, ठीक है। तो देयर कैन बी रीजन, अब वो जब मैं अपनी अल्ट्रेशन ट्राई कर ली बहुत सारी, हर तरह के ऑप्टिमाइजर पे ट्राई करके देख लिया, वेट एडजस्ट हो रहे हैं लेकिन 87 से आगे नहीं बढ़ रहा है। वैसे बुक ने अगर कोड दिया होता है, बहुत सोच समझ के दिया होता है, काफी मेहनत से तो पता होता है। सर इन ऑप्टिमाइजर्स में क्या फर्क है? सर हम ऑप्टिमाइजर्स को इनमें फर्क क्या है? इनमें क्या डिफरेंट करते हैं ऑप्टिमाइजर? हर ऑप्टिमाइजर, हाँ ये तो उसकी पूरी मैथमेटिक्स पढ़नी पड़ेगी और हर ऑप्टिमाइजर की मैथमेटिक्स को स्टडी करना पड़ेगा, डेरिवेशन को देखना पड़ेगा कि भाई वो किस बिहाफ पे काम कर रहा है, दोनों में फर्क क्या है। काम सबका एक ही है लेकिन कोई वो काम एक तरह से करता है, कोई वो काम दूसरी तरह से करता है, तो वो उसकी वजह से रिजल्ट के ऊपर जो है वो इम्प्रूवमेंट आती है। तो वो नए नए ऑप्टिमाइजर जो है वो आते रहते हैं मार्केट के अंदर, लेकिन हर एक का काम जो है सारे के सारे ये ग्रेडिएंट बेस्ड ऑप्टिमाइजर ही हैं और ग्रेडिएंट बेस पे ही काम करते हैं, लेकिन हर एक के अंदर टेक्निक जो है वो डिफरेंट डिफरेंट है। अच्छा जी, और कोई कुछ कह रहा था? सर ये मॉडल क्रिएट करने से, सर आपने कहा ना वो कॉस्ट लगती है, तो ये जो हम चेंजिंग करने इस पे क्यों नहीं लगती? अच्छा भी देखो, इनका सवाल ये है, देखो यहाँ अगर मैं इस वाले सेल को दोबारा चला दूंगा ना, तो मॉडल की जो कुछ भी लर्निंग हुई भी होगी वो सारी की सारी क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी, ठीक है। अभी ये जो मैंने यहाँ पर बार बार चला रहा हूँ, ये सारी लर्निंग जो है वो इसके पास जा रही है ना, इसके ऑब्जेक्ट में जा रही, नहीं जा रही? जी सर। अच्छा, जाने के बाद अभी मैंने इतनी सारी इस पे मैनेज की, इतनी सारी चेंजेस करी, ये करी वो करी, अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पर आके जो है मॉडल में इस सेल को रन कर देता हूँ। जब मैंने इस सेल को रन कर दिया तो ये वाली लाइन चल गई, तो मॉडल रिक्रिएट हो गया। जो कुछ मॉडल ने सीखा हुआ था वो सब कुछ जो है उसके वेट्स जो है इतने कुछ ने सीखे हुए थे, ये हर ईपॉक पे उसने जो वेट्स एडजस्ट किए। रन तो कोड ही कर रहे हैं तो कॉस्ट कैसे बढ़ जाती है? कोड ही रन कर रहे हैं ना, दोबारा रन कर लेंगे उससे क्या? कंप्यूटिंग कॉस्ट भी होती है, आपकी मशीन रन चल रही है ना, अभी आप लोकल मशीन पे कर रहे हैं। अगर मैं आपका क्लाइंट हूँ
और मैंने आपको जो है ना AWS का अकाउंट परचेज करके दिया हुआ है और वहां पर मुझे हर एक के चार्जेस पे करने पड़ रहे हैं और वहां बैठ के आप जो है ना वो धड़ाधड़ जो है ना इंस्टेंस पे इंस्टेंस क्रिएट मारे जाएं, ट्रेनिंग कराए जाएं, तो आपका जो बिल आएगा ना फिर वो आपको बताएगा कि भी कॉस्ट है या नहीं है। ठीक है, वैसे मैं अभी जिस कॉस्ट की बात कर रहा हूँ वो कंप्यूटेशनल कॉस्ट है। ठीक है, कि आपका प्रोसेसर जो है वो इतनी मेहनत कर रहा है बार बार, और ये कास्ट कॉस्ट जो है वो अगर आप क्लाउड के ऊपर कोई सर्वर इस्तेमाल करेंगे तो कंप्यूटेशनल कॉस्ट वहां आपको फिर डॉलर्स में पे करनी पड़ेगी। पर मैनआर भी तो बढ़ेंगे ना इस हैं, क्या बढ़ेगा सर? मैन आवर्स भी तो एक कॉस्ट होती है ना सर, अगर बार बार मॉड्यूल री इनिशियलाइज कर रहे हैं तो वैसे वैसे काम करने वाले का टाइम ज्यादा लगेगा। टाइम ठीक है, अभी तो ये छोटे छोटे डेटा सेट है ना, इसमें तो चलो खैर है, लेकिन ये बात मैं इसलिए कर देता हूँ कि मुस्तकबिल करीब में जब आप प्रोफेशनली काम करेंगे, किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करेंगे, तो फिर आप तो ये मामलात जो है वो बियर करने पड़ेंगे और इन चीजों का जो है वो ख्याल भी करना पड़ेगा। अभी तो अगर मैं ना भी डिस्कस करूं तो कोई ठीक है जाने दो, ठीक है चला दे अपनी मशीन है, क्या जाता है। कंटिन्यू करें सर, आप बता रहे थे ना कि अपडेट करने से वो बॉस नहीं लगती। आगे जाओ सर। अच्छा सर, अगर हम इसमें लेयर्स ऐड करते हैं तो इसकी एक्यूरेसी इंप्रूव हो सकती है या वैलिडेशन कॉस्ट? हाँ हो सकती है, अगर वो तो डिपेंड करता है कि बढ़ेगी या कम होगी, ऐड करने के बाद ही पता चलेगा। वो आप लोग खुद ही ट्राई करिएगा, कोड लिखकर मुख्तलिफ अल्टरेशन ट्राई करिएगा। वैसे इन्होंने आगे बोला हुआ है, अब ये जब हमने जो फिट चलाया हमारा सब कुछ जो है वो हिस्ट्री नाम के हमने उसमें डाल दिया, ऑब्जेक्ट में डाल दिया। इस हिस्ट्री से वैल्यूज कैसे निकालते हैं, लाइक ये हमारे पास हिस्ट्री का ऑब्जेक्ट बन गया है, टेंसरफ्लो ऑब्जेक्ट है। ठीक है, हिस्ट्री डॉट हिस्ट्री के अंदर एक और हिस्ट्री का हमारे पास ये पूरा डेटा है ना, पूरा लॉग जिसे हम कह रहे थे, इस सारा लॉग इसके हिस्ट्री के अंदर आया हुआ। हिस्ट्री हिस्ट्री के अंदर देखो ये आ रहा है, लॉस के अंदर इतनी वैल्यूज जनरेट हुई है, इसी तरह एक्यूरेसी के अंदर इतनी वैल्यूज जनरेट हुई है, वैलिडेशन के अगेंस्ट इतनी वैल्यू जनरेट हुई है, वैलिडेशन एक्यूरेसी के अगेंस्ट इतनी वैल्यू जनरेट हुई। समय यूं भी ये पूरी हमारे पास एक डिक्शनरी बनी हुई है, history.keys। तो उसके पास कौन कौन सी कीज है, हमारे पास ये कीज है। ठीक है, इस डिक्शनरी के अंदर जहां हमने जब कॉल बैक के अंदर जो है वो एक्यूरेसी की की इस्तेमाल करके निकाल लिया। अब इसके ग्राफ बनाते हैं, दिया हुआ ग्राफ बना के history dot keys, ये ग्राफ प्लॉट हो रहा है, देखें क्या किया जी, मैटप्लॉटलिब वही काम किया, हिस्ट्री डॉट हिस्ट्री पूरी डिक्शनरी इसके अंदर उठा ली, हिस्ट्री डॉट हिस्ट्री ये डिक्शनरी पूरी जो है आ गई, कहाँ आ गई, यहाँ आ गई हिस्ट्री डिक्शनरी। हिस्ट्री डिक्शनरी के अंदर से लॉस की देके लॉस वैल्यूज उठा ली, लॉस की जो है चेक कर लें, लॉस की क्या है, लॉस की लॉस ही है, यहाँ मैं कीज लिख देता हूँ लॉस, ये लॉस की देकर सारी लॉस वैल्यूज उठा ली। ठीक है, हिस्ट्री डिक्शनरी में से वैलिडेशन लॉस की दे दी और सारी वैलिडेशन वैल्यूज उठा ली, ईपॉक्स बता दिए चले थे हमारे पास, वैसे तो मैन्युअली भी डाल सकते हैं पर हमने कहा अभी रेंज 1 से लेके कितनी एक्यूरेसी जनरेट होगी, जितने ईपॉक चलेंगे उतनी एक्यूरेसी जनरेट होगी, 1 प्लस कर दिया तो क्योंकि 1 से स्टार्ट हो रहा है तो 20 ईपॉक्स की 20 रेंज जनरेट हो गई, प्लॉट कर दिया ईपॉक्स 1 से लेके 20 तक लॉस वैल्यू को प्लॉट किया, बी डॉट करके वैल्यू आएगी, ट्रेनिंग लॉस उसका लेबल होगा, उसी के अंदर ईपॉक्स के अगेंस्ट वैलिडेशन लॉस को भी प्लॉट किया, ब्लू कलर का इस तरह आएगा, ये सारा ट्रेनिंग लेवल लेजेंड दे दी, हमारे पास ग्राफ जो है वो यूं बन जाएगा टेंसरफ्लो डॉट केआरएस एस्टिमेटर।
कौन सा निकालना है भाई, नो नेम टेंसर फ्लो यहाँ कहाँ से आ रहा है सर? ये नेम एरर एक्यूरेसी का नेम एरर आ रहा है सर, जो इपोक में हमने दिया है। इसका एरर यहाँ कहाँ से आ गया सर? हमने रेंज में दिया है ना, प्लस वन किया है, लाइन नंबर सिक्स में सर। नेम ए डबल सी नॉट डिफाइंड, ए डबल सी अच्छा ये ए डबल सी नहीं है, इसका नाम पूरा एक्यूरेसी है, की गलत डाली है ना? जी जी सर। लेंथ ऑफ एक्यूरेसी, अच्छा एक्यूरेसी की लेंथ ही क्यों लूं मैं, लेंथ ऑफ लॉस वैल्यू लेना पड़ेगा, एक्यूरेसी तो मैंने इस्तेमाल ही नहीं किया ना अभी, लॉस लॉस वैल्यू भी उतनी होंगी 20, एक्यूरेसी भी 20 होंगी, तो कोई सा भी वेरिएबल इस्तेमाल करके उसकी लेंथ ले लो, कोई मसला नहीं। क्या शो कर रहा है भाई, क्या शो कर रहा है, अजीब सा क्यों आ रहा है, ऐसा आना चाहिए सर। ये वैल्यू लॉस है, आपने लॉस वैल्यू लिखा हुआ है, हां 6 नंबर लाइन में सर, ये वैल्यू लॉस है, आपने लॉस वैल्यू लिखा हुआ है सर। नहीं मैंने वैल्यू लॉस उठा के इसमें डाल दिया ना। अच्छा अच्छा ठीक है, लॉस वैल्यूज। अरे यार इसको जो है ना इतनी टेंशन देने से बेहतर है हाथ से लिख देते। डेटा ऐसा क्यों आ रहा है, अपने पास भी जरा चला के देखें ग्राफ सही क्यों नहीं बन रहा है, हमारे पास डेटा में वैल्यूज इतनी खराब तो नहीं थी। यही आ रहा है सर, यही एरर आ रहा है हमारे पास। की एरर, कौन सी की एरर आ रहा है, कीज निकाल के देख लो, सही की डाल दो वहां पे, जो वहां पे लिखी हुई यहाँ लिखी आ रही वही की डालो। चला के देखें, डेटा तो सही था यहाँ पर, लॉस 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 एक ही आ रहा है, लॉस पॉइंट थ्री लॉस। मैं रिक्रिएट कर रहा हूँ जब तक मॉडल को, रीडिफाइन करके चला रहा हूँ, सो दैट मैं काफी हमने ईपॉक्स चलाए हैं, लगता बीच में कहीं गड़बड़ कर दी होंगे, अब सही हो जाएगा, अब लॉस की वैल्यू सही आ रही 69। सही लिखा रहा है 6.2 कम हो जाएगा। आपने क्या क्या चीजें चेंज की थी, बैच साइज सर हमारा ऑप्टिमाइजर वो चेंज है ना सर, आरएमएस प्रॉप, आरएमएस प्रॉप करो जी सर। अच्छा ग्राफ सही बन रहा है, जैसा डाटा आ रहा है वैसे ग्राफ बन रहा है, और दोनों की एक्यूरेसी जो है ना डाउन जा रही है नीचे।
सर ये आप कह रहे थे कि मैं दोबारा जरा समझाऊंगा, ये जब हम दोबारा से ईपॉक्स रन करते हैं तो जो पिछले रन किए होते हैं वो ऑलरेडी लर्न किया हुआ है ना, वो अनलर्न तो नहीं हुआ? वो अगर मैं मॉडल को रिक्रिएट नहीं कर रहा हूँ, मॉडल को रिक्रिएट नहीं कर रहा हूँ, तो फिर वो उसी के आगे से ईपॉक ऐड हो जाते हैं। पहले 10 चलाए, 5 चलाएंगे तो 15 हो जाएंगे टोटल। ठीक है सर, ये आ गया वैसे ग्राफ जो आरएमएस प्रॉप पे आ रहा था। अब ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है लॉस, याद है आपको डेरिवेशन में हमने किया था लॉस का, हमने क्या बनाया था? पैराबोला बनाया था। यस सर, मैक्सिमम पॉइंट और ये मिनिमम लॉस पॉइंट। तो ये अगर ग्राफ देख रहे हो यहाँ से चल रहा है यूं करके, ये अगर ईपॉक चलाता रहूंगा तो एक वक्त आएगा लॉस बढ़ना शुरू हो जाएगा और ग्राफ जो है यूं ही हो जाएगा पूरा। अभी हम इस पॉइंट पर हैं, ठीक है, कंटिन्यूसली हर ईपॉक के बाद लॉस क्या होता जा रहा है, कम 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 होता जा रहा है, होता जा रहा है ट्रेनिंग में। लेकिन वैलिडेशन में क्या हुआ कि यहाँ लॉस कम हुआ, यहाँ से बढ़ते बढ़ते यहाँ थोड़ा कम हुआ, इस ईपॉक के बाद यानी ये फोर्थ ईपॉक के बाद ओवरफिटिंग होना शुरू हो गई और ये अब कम होने के बजाय बढ़ना शुरू हो गया। यानी दिस इज द पॉइंट जहां पर मॉडल ने जनरलाइज होने के बजाय मेमोराइज करना शुरू कर दिया और रिजल्ट्स गलत आने शुरू हो गए। ओवरफिटिंग जो है वो इस पॉइंट से स्टार्ट हो गई, ठीक है। तो yes, अगर मुझे ओवरफिटिंग रोकनी है तो एट दिस पॉइंट मुझे ईपॉक्स जो है उनको स्टॉप करना पड़ेगा, इससे आगे ईपॉक चलाना बेकार है क्योंकि वो जाया ही हो रहे हैं और कहानी जो है वो मजीद ओवरफिटिंग की तरफ जा रही है। तो अगर आप इसको देखेंगे ये भी आपको यहाँ पर यही बताएगा, जब लॉस का तो बना लिया, एक्यूरेसी का ग्राफ भी अगर प्लॉट करेंगे तो उल्टा होगा, बट यू विल सी। सर अभी तो आप ये बता रहे हैं कि हमें ईपॉक्स कम रन करने चाहिए क्योंकि उस पॉइंट के बियॉन्ड वो हमारा मेमोराइजेशन शुरू कर दिए, लेकिन हमने तो ऑलरेडी आगे के लिए तो हम कम रन करेंगे, लेकिन जो ऑलरेडी हमने चला लिए तो उसने क्या मेमोराइज कर नहीं लिया ऑलरेडी उन चीजों को? हाँ, तो अगली दफा जब मैं ईपॉक कम चलाऊंगा तो मॉडल रिक्रिएट करके चलाऊंगा, इसी मॉडल पे नहीं चलाऊंगा, देखिएगा मॉडल रिक्रिएट होगा। सर आखिर बात तो वही आ गई ना, मॉडल रिक्रिएट कर ले हम आखिर। सर एक्यूरेसी की स्पेलिंग में अपनी हम कंफर्म मेक श्योर हो गए हैं कि ये आर्किटेक्चर वर्किंग कर रहा है, ये आर्किटेक्चर एक्सेप्टेबल है, अब मुझे चेंजेस नहीं करनी है, उसके बाद रिक्रिएट कर रहा हूँ, हर दफा थोड़ी रिक्रिएट कर रहा हूँ, समझ रहे हो बात, हर दफा रिक्रिएट नहीं कर रहे हैं। जब हम मेक श्योर कर लेंगे कि हमारा आर्किटेक्चर अब एक्सेप्टेबल है, एक्यूरेसी लेवल जो आ रहा है वो एक्सेप्टेबल है, देन जो है वो हम रिक्रिएट फिर करेंगे उसके बाद। हर दफा टेस्टिंग करते हुए हर दफा जो है ना उसको नहीं छेड़ेंगे।
ये एक्यूरेसी बता रहा है कि भाई ट्रेनिंग के अंदर एक्यूरेसी बढ़ती रही बढ़ती रही बढ़ती रही बढ़ती रही, थोड़ी कम हुई, फिर एंड देन यही फोर्थ ईपॉक पे नजर आ रहा है एक्यूरेसी बढ़ी, उसके बाद एक्यूरेसी डाउन होना शुरू हुए वैलिडेशन, और ट्रेनिंग में तो मुसलसल एक्यूरेसी जो है वो बढ़ती ही चली जा रही है, वो हमें डेटा में भी नजर आ रहा है, देख के भी नजर आ रहा है, कोई ऐसा इश्यू नहीं है। मैं यहाँ पर इसको डेटा फ्रेम भी बना सकता हूँ, डिक्शनरी मैंने पास कर दी है, डेटा फ्रेम से भी नजर आ जाएगा कहाँ कम ज्यादा हो रही है, प्लॉट करके भी देख लिए है। अच्छा जी आगे चलता हूँ मैं, अभी बहुत सारा काम करना है। अच्छा जी, एज यू कैन सी ट्रेनिंग लॉस डिक्रीजेस एवरी ईपॉक एंड डिक्रीजिंग एवरी लॉस, दैट्स व्हाई यू शुड एक्सपेक्ट व्हाट रन टाइम ग्रेटर डिसन ऑफ द क्वांटिटी यू आर ट्राइंग टू मिनिमाइज शुड बी लेस विद एवरी इटरेशन, बट इजंट द केस फॉर वैलिडेशन लॉस एंड एक्यूरेसी पीक एट द फोर्थ ईपॉक, यही हमने भी देखा है फोर्थ ईपॉक पे। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट वी वांट अगेंस्ट आवर लेयर, अ मॉडल दैट परफॉर्म बेटर ऑन ट्रेनिंग डेटा इजंट नेसेसरली अ मॉडल दैट विल डू बेटर ऑन डेटा इट हैज नेवर सीन बिफोर। In precise term, what you are seeing is overfitting. After second epoch, you are over-optimizing on the training data and you end up learning representation that don't generalize to outside training data. So let's train new network. अब ये वाली बात है. Scratch से train करो. With four epochs. अब ज़्यादा नहीं चलाना. अब पता चल गया कि चार epoch के बाद काम इतना हो रहा है. ठीक है. अब recreate किया model को. और फोर्थ ईपॉक के ऊपर जो है ओनली फोर ईपॉक के ऊपर जो है वो रीरन कर दिया, चार ईपॉक्स के ऊपर एक्यूरेसी वही आएगी क्योंकि स्ट्रक्चर चेंज नहीं किया है, मॉडल का स्ट्रक्चर चेंज नहीं किया है। उसके बाद इवेल्युएट कर लिया है टेस्ट डेटा के ऊपर, ये इवेल्युएट भी कर लिया है, टेस्ट डेटा पे इवेल्युएट करी है तो 87% एक्यूरेसी आ रही है, और यहाँ पर ना वैलिडेशन कुछ भी नहीं दिया है, पूरा पूरा ट्रेन और टेस्ट दे दिया, ये हमारा मॉडल बन गया है, हमने वैलिडेशन के थ्रू एक्सपोज कराई उसकी कॉन्फ़िगरेशन और उस कॉन्फ़िगरेशन पे मॉडल को जो है वो टेस्ट डेटा दे दिया। कब दिया? जब वी आर श्योर कि भाई ठीक है ओके आप दे सकता हूँ, जाया नहीं, ठीक है। रिजल्ट्स के अंदर जाके रिजल्ट्स देख लें, ये हमारे पास 87.9.30 जो है वो लॉस है। यूजिंग अ ट्रेंड नेटवर्क टू जनरेट प्रेडिक्शन वायर ऑन न्यू डेटा, अब न्यू डेटा के ऊपर जो है अब प्रेडिक्ट चलाना है एक्स टेस्ट डेटा, एक्स टेस्ट अभी इन्होंने तो पूरा टेस्ट डेटा के ऊपर ही कर दिया, उसी टेस्ट डेटा के ऊपर जिसके ऊपर हमने इवेल्युएट किया है मॉडल को उसी पे प्रेडिक्शन चला रहे हैं, बट ठीक है चलो 25,000 प्रेडिक्शन हमारे पास आ जाएंगी, ये प्रेडिक्शन जो है वो हमारे पास आ गई, और हमने ऐसा नहीं करना, हमने क्या करना है, हमने अब वही सारा काम करना है, हमने एक रिव्यू लेना है, उस रिव्यू को सारे टेक्स्ट प्रोसेसिंग स्टेप से गुजार के वेक्टर बना के वन नॉट इनकोड बैग ऑफ वर्ड लगा के फिर हमने यहाँ पर देना है उसको प्रिडिक्ट के अंदर एक्स टेस्ट में, क्योंकि अभी एक्स टेस्ट में हमारे पास जो चीज जा रही है वो कैसी है, वो ऐसी है, इस फॉर्म में देना है मुझे, तो हमारा जो टेक्स्ट रिव्यू होगा पहले हमें उसको प्री प्रोसेस के फंक्शन से गुजार के यहाँ कन्वर्ट करेंगे फिर यहाँ प्रिडिक्ट में भेजेंगे, जिस तरह हमने इमेज वाले केस में किया था
पहले इमेज को पूरा प्री प्रोसेस करके उस शक्ल में लेकर आए जिस शक्ल में हमारे मॉडल को जो है चाहिए चाहिए। ठीक है, कोई सवाल यहाँ तक करें जी? रिव्यू लेके करके दिखा दे थोड़ा सा, क्या चीज बता दूं? यस सर, ये थोड़ा सा रिव्यू लेकर जो है ना वो पूरा स्टार्ट से करके दिखा दे बाप। भाई रिव्यू ये है भाई कि भाई डेटा लोड किया 10,000 वर्ड्स के बारे में आपको पता चल चुका है, 50 बार हम बता चुके, 10,000 दफा हम भर चुके हैं 10,000 वर्ड्स को, ट्रेंड डेटा, टेस्ट डेटा, टेस्ट डेटा, टेस्ट डेटा, ये रिव्यू अनलॉक किया, ये कन्वर्ट किया क्योंकि सीक्वेंस हमारे पास नंबर्स में है। ठीक है, वेक्टराइज हुआ हुआ है और वेक्टराइज होने के बाद हमने चेक किया उनके इंडेक्स की मैक्सिमम इंडेक्स कितना है, यहां हमने उनको बैग ऑफ वर्ड्स इंप्लीमेंट करने की कोशिश की। किस तरह बैग ऑफ वर्ड्स इंप्लीमेंट, वैसे इसकी लाइब्रेरी मौजूद है, मैं अभी करवाता हूं। हमने मैनुअली किया, लेबल को मैनुअली किया, कन्वर्ट किया, मॉडल बनाया, बस बाकी आगे तो सब कुछ वैसे ही है, कोई समझना मुश्किल है, काम छोटा सा ही है। ठीक है, तो सर ये जो आपने डेटा फ्रेम बनाया था अभी एक्यूरेसी, चारों एक्यूरेसी का वो दिखाइएगा जरा। कुछ भी नहीं किया, हिस्ट्री वाली वो उसको डेटा फ्रेम में पास कर दिया यार, हिस्ट्री डॉट हिस्ट्री में डिक्शनरी है ना, डिक्शनरी को फ्रेम में पे फेंको तो डेटा फ्रेम बन जाता है। हिस्ट्री हमारा वेरिएबल है, ऑब्जेक्ट टेंसरफ्लो का, उसके अंदर एक डिक्शनरी है हिस्ट्री के नाम की, ये मैंने यहाँ क्रिएट किया था जो मॉडल का सब कुछ उठा के हिस्ट्री में डाल दिया है, ये टेंसरफ्लो ऑब्जेक्ट बन गया है। इस हिस्ट्री के अंदर एक और हमारे पास हिस्ट्री होता है, ये कुछ भी नाम रख सकता हूँ, मैंने हिस्ट्री रख दिया, बुक में भी हिस्ट्री रखा था, जिससे ये सारा डाटा आ जाता है, ये सारा डाटा आ गया है। मैं सारा डाटा नहीं मांग रहा हूँ, मैं सिर्फ की देखने के लिए मांग रहा था, दिखा दी ये की है, मतलब उसके अगेंस्ट डेटा पड़ा है डिक्शनरी का, वो डिक्शनरी मैंने पास कर दी है फ्रेम को। पानी खान 25 से 40 ब्रेक, हाँ 25 से नहीं कम हो जाएगा सर, 15 मिनट में करते हैं बस, 15:15 से ब्रेक करते हैं। सही है सर, 5:30 अली इमरान पूछ रहे हैं, वो डिसाइड नंबर ऑफ इंटरनल लेयर, आप खुद डिसाइड करेंगे अली इमरान, आपकी चॉइस है, नेटवर्क नहीं डिसाइड करेगा, 1 लगाओ, 10 लगाओ, 50 लगाओ, डिपेंड्स अपॉन योर आर्किटेक्चर। अच्छा सर, ये एक क्वेश्चन है सर। हाँ अच्छा सर, ये हमारे पास अभी बाइनरी क्लासिफिकेशन है, तो इसमें हमने जो आउटपुट लेयर पे 1 लेयर इसको किया था, जिस तरह क्लासिफिकेशन में हम 10 मतलब लेयर पहले 10 सेलेक्ट करते हैं आगे फिर सॉफ्ट एफएक्स, तो बाइनरी में 1 ही करते हैं ना सर? बाइनरी में आउटपुट लेयर, हाँ ये सर दैट्स 1, क्योंकि हमारे पास 1,0 है ना, और हमने यहाँ सिग्मोइड यूज किया, अभी हमने इस सिग्मोइड को डिस्कस नहीं किया है, सिग्मोइड की पूरी डेरिवेशन होगी और किस तरह ये काम करता है और क्या चीज है, ये मैं आज तो नहीं हो पाएगा, अगली क्लास में इंशाल्लाह इसको डिटेल में करूंगा, तो फिर वहां पता चलेगा कि यार ये हमने 1 जो है वो क्यों लिया हुआ है, वैसे बाइनरी में 1 ही लगा देते हैं। ठीक है सर,
अजान मेरे पास हो गई है, वजू भी करना है, नमाज के लिए भी निकलना है, मैं सही सर 5:30 तक कोशिश करूंगा सर 5:40 कर दे जी सर 40:40 पे दोबारा शुरू करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है ठीक है सर ठीक है चलो जी ओके। रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दीजिए। हमारे पास 14 सेंटेंसेस हैं इसके अंदर, ठीक है, हमने हर सेंटेंस वाइज को ब्रेक कर लिया। दिस ब्रेकेज कैन बी ऑन सेंटेंस लेवल, वर्ड लेवल, कैरेक्टर लेवल, सारी चीज हो सकती है, ठीक है। तो अच्छा अब हमारे पास क्या है कि हमने इसके अंदर से जो हमारे नॉन नेसेसरी लेटर्स या कैरेक्टर्स सारी चीजें हैं उन ड्रॉप करना है। लाइक मैंने यहाँ लिखा हुआ यूजिंग रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर ड्रॉपिंग ऑल टेक्स्ट एक्सेप्ट कैपिटल एंड स्मॉल कैरेक्टर्स एंड नंबर्स फ्रॉम 0 to 9। सिर्फ क्या छोड़ दिए जाएं, स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर 0 to 9 नंबर छोड़ दिए, बाकी सब जो है वो शामिल हो जाए, उसके लिए हम रेगुलर एक्सप्रेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और या इसके अलावा यहाँ पर ये विदाउट रेगुलर एक्सप्रेशन भी कोड लिखा हुआ है, स्ट्रिंग में से पंक्चुएशन इंपोर्ट कर लिए, रिमूव पंक्चुएशन का फंक्शन बना हुआ है। और पूरे टेक्स्ट जो इस पंक्चुएशन के पास आएगा उसको कैरेक्टर वाइज लूप किया, अगर वो कैरेक्टर पंक्चुएशन में नहीं है, नहीं होगा पंक्चुएशन में, तो उसे रिफाइंड टेक्स्ट के अंदर ऐड कर दे, और अगर होगा तो जाहिर है कुछ भी नहीं करेगा, उसको ड्रॉप कर दिया जाएगा और आखिर में रिफाइंड टेक्स्ट। तो इससे सारी पंक्चुएशन जो है वो रिमूव हो जाएगी। पंक्चुएशन में क्या क्या चीजें शामिल होती हैं, यू कैन सी हियर, ये मैंने पंक्चुएशन इंपोर्ट करी है। आप पंक्चुएशन इंपोर्ट ना भी करते यहाँ से तो आप वैसे ही हाथ से पंक्चुएशन बना लेते, यहाँ पर पंक्चुएशन की लिस्ट मांग लेते भी पाइथन पंक्चुएशन, तो आपके पास ये यहाँ पर पंक्चुएशन की लिस्ट आ जाती, स्ट्रिंग आ जाता बेसिकली, हम उसको भी यूज कर सकते थे। ये हमारे पास इधर भी स्ट्रिंग पंक्चुएशन से ही निकाला हुआ है, मैनुअली भी ले सकते हैं। तो इस तरह पंक्चुएशन सारी रिमूव हो जाएगी और हम आउटपुट में देखते हैं क्या आएगा हमारे पास। आउटपुट में हम देखते हैं ये पंक्चुएशन की वो लिस्ट है, प्रिंट पंक्चुएशन किया मैंने, उसके बाद सारी पंक्चुएशन जो है यहाँ से रिमूव हो गई, सिर्फ नंबर्स रह गए, कैपिटल स्मॉल लेटर्स रहेगा। वैसे यहाँ देखते हैं क्या क्या था हमारे पास, कॉमा, फुल स्टॉप और सारे तरह के जो है डबल कोट वोट सब निकाल दिए, ठीक है, पंक्चुएशन रिमूव कर ली। अब क्या करना है हमने, अब हमने ये करना है कि भाई प्रिंटिंग ईच डॉक इन कॉर्पस सेपरेटली जस्ट टू व्यू। अच्छा जस्ट टू व्यू है, मैं ये जो हमारे पास पूरा डेटा है, ठीक है, अब कुछ टेक्निकल टर्म जो एनएलपी में हम इस्तेमाल करते हैं वो हमने जो है वो देखनी है यहाँ पर, वो हमने देखनी है, वो क्या है हमारे पास कि भाई हम ये जो एक एक सीक्वेंस होती है, एक एक रिव्यू जिस तरह बात कर रहा था मैं, ये एक जुमला है, ये दूसरा जुमला है, ये तीसरा जुमला है, हर सेंटेंस को या तो मैं क्या कहूंगा, डॉक्यूमेंट कहूंगा या मैं सीक्वेंस कहूंगा, सीक्वेंस कहूंगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने ये हमारा जो टेक्स्ट रिमूव हो गया है, रिफाइंड टेक्स्ट में आ गया है, प्रिंट हो गया है, अभी हम क्या करने जा रहे हैं यहाँ पर, अभी ये नेम एरर देगा, कॉर्पस नहीं है, इसको अभी छोड़ देते हैं, ठीक है, आगे चलते हैं, अभी ये आखिर में इम्प्लीमेंट करूँगा, कॉर्पस जब बताऊंगा।
अब आई थिंक यूज ऑफ स्टेमर टू कन्वर्ट द ओरिजिनल वर्ड टू द बेस वर्ड एंड फिल्टरिंग स्टॉप वर्ड्स. अब यहाँ पर मैंने स्टेमर यूज करना है, यानी स्टेमिंग अप्लाई करनी है. स्टेमिंग क्या करती है, मैंने अभी बताया था कि ये किसी भी वर्ड को उसके बेस वर्ड पे ले जाती है. बेस वर्ड पे ले जाने से फायदा क्या होगा, बेस वर्ड पे ले जाने से फायदा ये होगा कि भाई अगर कहीं लिखा हुआ है वॉकिंग, तो कहीं लिखा हुआ है वॉक, कहीं लिखा हुआ है वॉक, कहीं लिखा हुआ है, ठीक है, ये सारे एक ही वर्ड है. फॉर एग्जाम्पल अगर आगे बेस वर्ड में कन्वर्ट नहीं करूंगा तो इससे नुकसान ये होगा कि वॉकिंग का अलग वेक्टर बनेगा, वॉक का अलग वेक्टर बनेगा, वॉक का अलग वेक्टर बनेगा, वॉक बाइक का अलग वेक्टर बनेगा, ठीक है. जब सब अपने बेस वर्ड में कन्वर्ट हो जाएंगे, फॉर एग्जाम्पल इसका बेस वर्ड ने वॉक बना दिया, तो इससे फायदा ये होगा कि हर जगह पर क्या हो जाएगा, वॉक वॉक और वॉक, और फिर सब एक ही हो जाएगा, तो वो एक ही दफा काउंट में आएगा वोकैबुलरी में, और उस सबका वेक्टर जो है वो सिंगल एक ही वेक्टर बनेगा. इससे हमारा वेक्टर जो है वो इम्प्रूव होगा और रिपीटेशन जो है वो खत्म हो जाएगी, ठीक है. होपफुली बात समझ में आ गई होगी. क्या किया हमने, nltk.stem import porter stemmer allows to redefine the word to its root word या base word. स्टॉप वर्ड भी इम्पोर्ट कर लिया हमने, ठीक है. क्या किया जी, पोर्टर स्टैमर का हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जिसका नाम हमने रख दिया स्टैमर, ठीक है. पोर्टर स्टैमर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, इसका नाम कॉर्पस. क्या होता है कॉर्पस, वो ठीक है, कंप्लीट डेटा सेट जो है वो कॉर्पस कहलाता है, और एक एक रिकॉर्ड जो है वो सीक्वेंस या डॉक्यूमेंट कहलाता है. स्टॉप वर्ड्स के लिए भी बना ली. सेपरेटिंग वर्ड्स एंड स्टॉप वर्ड बाय अप्लाइंग स्टॉपिंग आउट वर्ड्स. अब क्या किया हमने, देखो, फॉर सेंटेंस इन कॉर्पस क्या क्या करने जा रहा हूँ. हमारे पास कॉर्पस अभी डिफाइंड नहीं है, मैं जरा देख लूँ कॉर्पस हमने डिफाइंड, इसको ही कॉर्पस का नाम देना चाहिए था यहाँ पर. ये मैं इसको कमेंट लगा रहा हूँ और कॉर्पस वाली लाइन चला रहा हूँ ताकि कॉर्पस क्रिएट हो जाए, ठीक है. आर ई इम्पोर्ट किया, कॉर्पस की डिक्शनरी सेंटेंस डाया, कॉर्पस में अपेंड कर दो आर ई डॉट सब, उसमें ये चीजें शामिल होंगी, ठीक है, और स्पेस शामिल होगा, सेंटेंस आएगा और लोअर में कन्वर्ट कर देना जो भी हो. थोड़ा जब रेगुलर एक्सप्रेशन पढ़ेंगे उस वक्त ये समझा दूंगा अच्छी तरह से. ये हमारे पास जो है वो कॉर्पस की लिस्ट जो है वो बन गई, जो अभी यहाँ पर हमारे को मिसिंग आ रहा था. अब ये हमारे पास ये 14 सेंटेंसेस जो है नजर आ रहे हैं इनुमरेट करके, एक एक डॉक्यूमेंट बन गया. क्या किया है, रेगुलर एक्सप्रेशन के थ्रू वही काम किया जो यहाँ पे था. यहाँ पर स्ट्रिंग बनाया था, यहाँ लिस्ट में जो है वो ऐड कराते गए. रेगुलर एक्सप्रेशन में बता दिया हमने ए टू जी होगा, ए टू जी होगा, जीरो टू नाइन होगा, और स्पेसेस शामिल होगी, ठीक है. इसमें से इस सेंटेंस में से ये वाला सब स्ट्रिंग सिलेक्ट कर लो, लोअर में कन्वर्ट करके अपेंड कर दो कॉर्पस में. ये कॉर्पस बन गया, हमारा पूरा डेटा सेट बन गया. अब हमने क्या करना है, इस डेटा सेट में से एक एक सेंटेंस उठाना है. सेंटेंस क्योंकि स्टेमिंग अप्लाई करनी है, स्टेमिंग अप्लाई करके भी उसको होल्ड करना है कहीं. मैं यहाँ होल्ड कराया, क्या बोला अभी, nltk.words टोकनाइज सेंटेंस. टोकनाइज करो किसको, कॉर्पस में से जो सेंटेंस आ रहा है, सारे सेंटेंस टोकनाइज होके वर्ड्स बन गए, एक लिस्ट आ गई. अब फर्दर उस लिस्ट को एक एक उस लिस्ट में से ये लिस्ट आएगी पूरी यूं करके हमारे पास, समझ लो ये वाला आइटम आ गई, पूरी लिस्ट आ गई. इस लिस्ट में से जब लिस्ट को आइट्रेट करेंगे तो पहला एलिमेंट निकलेगा लाइक दिस. ये पहला एलिमेंट निकलेगा, उस पहले एलिमेंट में से वर्ड्स उठेंगे एक एक वर्ड. अगर वर्ड स्टॉप वर्ड्स का पार्ट नहीं है, स्टॉप वर्ड्स डिफाइंड किए हैं इंग्लिश के,
आप इसको देख भी सकते हैं, इंपोर्ट किया हुआ, मैं प्रिंट करा सकता हूँ। स्टॉप वर्ड्स की लिस्ट आ जाएगी, फोर स्टॉप वर्ड्स, स्टॉप वर्ड्स डॉट वर्ड्स इंग्लिश, इसकी लिस्ट आ जाएगी। स्टॉप वर्ड्स ये आ गए, स्टॉप वर्ड्स की लिस्ट, ये डिफॉल्ट में सेट हुए हैं। अगर आपको लगता है कि इसमें और भी ऐड होने चाहिए तो आप इसके अंदर इस लिस्ट को अपेंड करा सकते हैं, सेव करके दोबारा स्टॉप वर्ड में सेव करा के और भी स्टॉप वर्ड इसमें डाल सकते हैं। ये डिफॉल्ट में है कि इन्होंने स्टॉप वर्ड जो है वो डिफाइन कर दिए हैं, बट यू कैन एडिट और भी इसका करते हैं। तो हमने यहाँ क्या बोल दिया, हमने यहाँ बोल दिया कि भाई अगर वो वर्ड स्टॉप वर्ड्स की लिस्ट में नहीं है तो उसको क्या करो, स्टैमर के थ्रू उस वर्ड को स्टैम कर दो। स्टैमर का ऑब्जेक्ट बनाया था हमने, स्टैमर करता क्या है, स्टैमर डॉट स्टैम भी पहले देख लो, यहाँ पर आ जाओ, स्टॉप वर्ड देख रहे हैं, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, स्टैम लगाता हूँ। स्टैमर डॉट स्टैम, स्टैम करने के लिए मैं क्या देता हूँ यार, एक वर्ड अभी वॉकिंग वाले ले लेता हूँ, देखो क्या देता है, वॉकिंग को किसमें कन्वर्ट कर दिया उसने, वॉक में कन्वर्ट कर दिया, सी। इसी तरह स्कूलिंग को स्कूल में कन्वर्ट कर लिया। सर ठीक है, रिंग लिखिएगा इधर, रिंग आर आई एन जी, क्या आर आई एन जी, रिंग, हाँ क्या करूं, रिंग लिखिएगा इधर, देख ठीक है, क्या हुआ, नहीं नहीं बस यही देख सर, वो देखना चाह रहे थे कि आई एन जी को शायद वो हटा रहे हैं, हालांकि वो आई एन जी को नहीं हटा रहे, अगर उसका कोई बेस वर्ड बनता होगा तो बना लेगा वरना नहीं भी बनाएगा, लाइक हमारे पास लेक बना दिया, प्लेइंग इसका प्ले बना दिया उसने, ठीक है, क्योंकि वो मोस्टली आईएनजी हटा रहा था ना, मैं सोच रहा था ये क्या नाम है ना, सिर्फ आ रे जाएगा, क्या वो मोस्टली आईएनजी आईएनजी रिप्लेस कर रहा था ना सर, रूट फॉर्म के लिए आईएनजी रिप्ले वो फिनिश कर रहा था, देन वो रूट वर्ड लिख रहा था, तो मैंने सोचा रिंग का जब आईएनजी हटेगा तो सिर्फ आ ही रह जाएगा। यस यस पढ़ रहा हूं। अच्छा अच्छा चलो सही, स्टैमर समझ में आ रहा है किस तरह वो रूट वर्ड पे ले जाता है उसको और सारों का जो है वो एक रूट वर्ड जो है वो क्रिएट कर देगा। तो यहाँ पर वो सारे वर्ड भेज भेज के हमने स्टैमर के स्टैमर कर दिया और स्पेस भी ऐड करते जा रहा हूँ ताकि जो है स्टैम डॉक्यूमेंट के अंदर ये स्ट्रिंग में ऐड हो जाए और आखिर में वो स्टैम डॉक्यूमेंट जो है वो लिस्ट में ऐड हो जाए, यानी पूरा एक सेंटेंस जो है और उसको वर्ड्स में तोड़ रहे हैं ना, एक लाइन को यही कर रहे हैं ना सर, इधर वर्ड्स के अंदर एनर्जी, इसमें सवाल पूछ रहे हो या बता रहे हो क्या कर रहे हो, मैं सवाल, मेरी एक कंफ्यूजन है वो सवाल पूछ रहा हूँ आपसे ताकि आप मुझे कंफर्म कर दे कि हाँ यही हो रहा है भाई। कॉर्पस, कॉर्पस की लिस्ट बन गई हमारे पास, उसमें से एक सेंटेंस उठाया ना मैंने, इसीलिए प्रॉपरली वेरिएबल यूज किए, सेंटेंस सेंटेंस को उठाया तोड़ा तो बने वर्ड्स, वर्ड्स को उठा उठा के मैंने स्टैम किया और वापस जोड़ता गया स्पेस लगा लगा के, जोड़ने के बाद जब पूरा सेंटेंस मुकम्मल हो गया तो इस पूरे मुकम्मल सेंटेंस को उठा के स्टैम डॉक्यूमेंट में यहाँ भेज दिया,
स्टेम्ड कॉर्पस में। सर सर हम यही चीज स्प्लिट के फंक्शन से कर सकते हैं? कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। चलिए थैंक यू सो मच। अब जो है जब ये स्टैम्प हो गया तो हमारे पास देखो लाहौर छोटा नजर आ रहा है, अक्टूबर छोटा हो गया, नवंबर भी शॉर्ट फॉर्म में नजर आ रहा है। रॉन्गली मेंशन को, रॉन्गली को जो क्या कर दिया हमने, वाई वहां पे लिखा होगा इसने वो कर दिया, आई कर दिया, तो जिस तरह डिफाइंड होगा ये रहा। तो बेस वर्ड पे जो है वो उसको ले गया, ठीक है। All the other words other than stop words are applying after applying stemming. ये stem corpus जो हमारी list बनी है उसको मैंने check कर लिया तरीके से निकाल के कि ये हमारी list बनी है। वैसे यहाँ भी नजर आ रही है output में, ठीक है। Stemmer क्या करता है, history का base word बना दिया। ये मैंने ऊपर जो बता दी बात यहाँ लिखी हुई है, all the filtered stop words are applying stemming. तमाम स्टॉप वर्ड्स, जो स्टॉप वर्ड्स थे मैंने यहाँ कोड बताया नहीं ये बात कि अगर वो वर्ड स्टॉप वर्ड में नहीं है तो स्टेमिंग अप्लाई कर दो, अगर वो वर्ड स्टॉप वर्ड में है तो उसको स्टॉप वर्ड्स की लिस्ट में भेज दो। एक हमने अपनी लिस्ट बना ली तो हम देख सकते हैं कि हमारे पैराग्राफ में से कौन कौन से वर्ड्स स्टॉप वर्ड में आए, वॉज इन सम ही इट वॉज, ये सब स्टॉप वर्ड में आ गए इतने सारे। अब लेमिटाइजर क्या होता है, लेमिटाइजर उसको मीनिंगफुल वर्ड में कन्वर्ट करता है। लेमिटाइजर किसी भी वर्ड को मीनिंगफुल वर्ड में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो अब क्योंकि हमने जब हिस्ट्री को हिस्ट्री कर लिया या हमने देखा रॉन्गली को एल आई कर दिया उसने, तो वो वर्ड ही बदल गया। कॉमन आदमी अगर पढ़ेगा तो परेशान हो गए क्या लिखा हुआ। तो हम वापस कोशिश कर रहे हैं के लेमिटाइजेशन के थ्रू जब बहुत सारे वर्ड्स एक एक पर्टिकुलर वर्ड से रिप्लेस हो गए और वो पर्टिकुलर वर्ड पढ़ने में अच्छा नहीं आ रहा है तो उसको वर्ड नेट लेमिटाइज कर दें, स्टेमिंग के बजाय फर्दर लेमिटाइज कर दें, सो दैट वो वर्ड जो है वो अपने एक मीनिंगफुल वर्ड में कन्वर्ट हो जाए जिस हद तक हो सकता है। जरूरी नहीं कन्वर्ट हो भी, हो सकता है एज इट इज दिखा दे, हो सकता है कर भी दे, जिसका मीनिंगफुल वर्ड मौजूद होगा वो कर देगा। ये लेमिटाइजर का ऑब्जेक्ट बनाया, एक वर्ड दे दिया फैमिली, हमने इसके अंदर डाला, आपको देखते हैं क्या बनाता है। वो सेम ही आ रहा है जैसे अभी हमने यहाँ देखा रॉन्गली लिख दिया था उसने, इसका क्या दिखा रहा है, रॉन्गली दिखा रहा है। तो बहुत सारे केस में जो है वो वही दिखा रहा होगा, कोई बात नहीं, लेकिन बहुत सारे केस में वो चेंज भी कर रहा होगा, इसका तो प्रॉपरली है। तो हमने क्या करना है, ये लेमिटाइजेशन अप्लाई करनी है वैसे ही, स्टेम्ड लेमिटाइज्ड कॉर्पस बना दिया मैंने यहाँ पर, स्टेम्ड तो पहले हुआ है अब लेमिटाइज भी हो जाएगा, और सर कॉर्पस की बना दी पहले वाली जो मैंने आउटपुट डिक्शनरी बनाई थी, लिस्ट बनाई थी, उसका नाम रखा था सिर्फ स्टेम्ड कॉर्पस, कि यहाँ खाली स्टेम होके आएगा। अब यहाँ जो डेटा पहुंच रहा है वो स्टेम भी है और लेमिटाइज भी है, ये मैंने अपनी याद दिहानी के रखा है कि क्या क्या अप्लाई हो चुका है पता चल जाएगा। तो स्टेम्ड कॉर्पस में से एक एक कॉर्पस उठाओ, लेमिटाइज डॉक्यूमेंट का स्ट्रिंग बनाओ, टोकनाइज करो, एक एक वर्ड उठाओ। अब इसमें स्टॉप वर्ड तो है नहीं, वो कंडीशन लगाने की जरूरत नहीं है, तो लेमिटाइजर डॉट लेमिटाइज हर वर्ड को लेमिटाइज करो, स्पेस ऐड करते जाओ, स्ट्रिंग में जोड़ते जाओ। जब ये पूरा सेंटेंस तैयार हो जाए, इस सेंटेंस को उठाओ और लेमिटाइज डॉक्यूमेंट के अंदर स्टेम्ड लेमिटाइज डॉक्यूमेंट में अपेंड करा दो, तो फाइनली जो है वो ये चल जाएगा, ज्यादा फर्क नजर नहीं भी आएगा, कोई बात नहीं, लेकिन कहीं कहीं जो है वो आ गया होगा, ठीक है। ये हमारा जो अब हमारे पास जो है ये पूरा बन गया। इसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद हमने इसको कन्वर्ट करना है, बैग ऑफ वर्ड अपना टोकनाइज करना है, टोकनाइज वर्ड लेवल पे करना है, वर्ड लेवल पे टोकनाइज करके हम इसको जो है वो आगे चलाएंगे। लेकिन उससे पहले अब मैं टाइम हमारा ओवर हो चुका है, मैं जल्दी से ये सिखा दूं कि यहाँ पर क्या क्या हो रहा है,
काफी सारी चीजें मैंने ऐड कर दी थी। इधर देखिए पैकेट लैन फीचर एक्सट्रैक्शन टेक्स्ट इंपोर्ट काउंट वेक्टराइजर, एक लाइब्रेरी इस्तेमाल की हमने काउंट वेक्टराइजर, ठीक है, काउंट वेक्टराइजर की लाइब्रेरी जो है वो वेक्टराइजेशन करती है हमारे लिए, क्या करती है वेक्टराइजेशन। ये मेरा डाटा है, डाटा में एक डॉक्यूमेंट, दूसरा डॉक्यूमेंट और तीसरा डॉक्यूमेंट, बड़े आराम से समझ में आ जाएगा। काउंट वेक्टराइजर का ऑब्जेक्ट बनाया, काउंट वेक्टराइजर, और उसको बनाया कि बाइनरी होगा, एन ग्राम रेंज 3 है। एन ग्राम रेंज क्या होती है, बल्कि एक काम करें इसको यहीं छोड़ देते हैं क्योंकि एन ग्राम बाईग्राम मुझे समझाने पड़ेंगे, इतना टाइम अभी है नहीं, लेकिन ये यहाँ तक जरूर कर लीजिएगा, ये स्टेमिंग अप्लाई करना और सारी चीजें अप्लाई करना ये सीख लीजिएगा, ठीक है। कोई सवाल है तो पूछे यहाँ तक के काम में। सर ये बुक शेयर कर दें सर, नोटबुक शेयर, नोटबुक शेयर कर दें सर, पिछली भी नोटबुक शेयर कर दीजिएगा जो बता रहे थे ना, डीप लर्निंग के फोल्डर में रख दीजिएगा तो हम आराम से देख लेंगे उसको। डीप लर्निंग के फोल्डर में ये आ गया। और सर आप जिस बुक से ये पढ़ा रहे हैं उस बुक किस चैप्टर में अभी है मौजूद? नहीं उसमें नहीं है ये, ये आखिर में आएगा, छठे चैप्टर में, थर्ड क्वार्टर में। सही, ये टेक्स्ट प्रोसेसिंग वाली फाइल मैंने शेयर कर दी है। वो सर वो दूसरी भी कर दे जिसमें आपने बताया था ना, ट्रेनिंग को लूप एक लिमिट 80% आ जाए तो कैसे रोका जाता है। थोड़ा जोर से बोला, आवाज कम आ रही। सर वो जो आपने बताया था ना 80% अगर आपकी एक्यूरेसी हो जाती है तो वो ऑटो पर स्टॉप हो जाता है, लर्निंग करना बंद कर देता है, वो वाली भी इसी में ही रख दीजिएगा। अगर कॉल बैक की बात कर रहा है, लास्ट क्लास ना, लास्ट क्लास सर, कॉल बैक डाल दिए फैशन हमने, कॉल बैक। थैंक यू, थैंक यू सो मच। सर उस वक्त बात अधूरी रह गई थी जब मैं आपसे असाइनमेंट का पूछ रही थी, काइंडली ये कंफर्म कर दिया कि आखिर आपने वो कौन सी फाइल का असाइनमेंट दिया था पांडास की, अभी तो यही समझ नहीं आ रहा है। कौन सी? सर ये लिंक शेयर कर दें। सर मतलब वो फाइल थी कौन सी जो आपने असाइनमेंट दिया था असाइनमेंट के लिए, वो फाइल अभी तक समझ नहीं आ रही है। अच्छा मैं उसको देख लेता हूँ, मैं उसको रेक्टिफाई करता हूँ, चीजें दोबारा से सीधी करके ना अलग अलग करके दे देता हूँ। वैसे डेटा सेट्स और बुक्स यहाँ पर डाले हुए थे और मसला है क्या, एक बार चेक ही कर लेता हूँ मैं, रुक जाओ जरा। स्टैट्स विद पांडास के असाइनमेंट ये वाले कर लिए? नो सर। सेंट्रल टेंडेंसी सर, ये सारे असाइनमेंट जैसे रीड मी में सब कुछ लिखा हुआ है, वो पढ़ लेंगे तो उनको समझ आ जाएगी। वो जुपिटर नोटबुक खोली है, यहाँ पे जुपिटर नोटबुक खोली है, रीड मी में वैसे डिटेल लिखी हुई है कौन सी फाइल लोड है। रीड मी पढ़ के इशू नहीं है कि रीड मी पढ़ के समझ में आ रहा है असाइनमेंट में क्या करना है वो इशू नहीं है। देखो नोटबुक में समझ में आ रहा है जी सर, बिल्कुल समझ में आ रहा है। डेटा अबाउट बेडरूम अपार्टमेंट, ठीक है सर, इशू समझने का नहीं है कि नोटबुक समझ नहीं आ रही है, रीडमी फाइल समझ नहीं आ रही है, मेरा कंसर्न वहाँ पे आ रहा है कि हमें बस इतना पता चल जाए कि हमें कौन सी फाइल को जो है एज एन असाइनमेंट कंसिडर करना है फॉर द टाइम बीइंग, जैसे इस हफ्ते जो आपने साइन किया था तो वो कौन सी फाइल थी, बस हमें ये पता चल जाए तो आसानी हो जाएगी, जो कि अभी तक क्लियर नहीं हो पाया कि इस हफ्ते कौन से फाइल पर था। मैं दोबारा से अपडेट कर देता हूँ और अक्सर कोई बोल देता हूँ कि भाई जब आप मैसेज करें कि असाइनमेंट अपलोड हो गया है तो उसमें प्रॉपरली फोल्डर का नाम या फाइल का नाम मेंशन करें सो दैट उनको ढूंढने में आसानी हो कौन सा वाला करना है, ठीक है, यही मसला जी है ना? सर, जी सर यही मसला है। लिंक शेयर कर दो, वाला लिंक शेयर कर दीजिएगा जरा, चेक का लिंक, डीप लर्निंग का जो फोल्डर, ये ड्राइव का लिंक सर, ये ड्राइव का लिंक सर, कोई ड्राइव का लिंक शेयर तो है ग्रुप्स में यार। नहीं नहीं जो पर्टिकुलर डीप लर्निंग का है ना वो मैं देख रहा हूँ लेकिन मुझे मिल नहीं रही है। इधर आओगे ऑनलाइन, ऑनलाइन में अंदर ये आ गए क्वार्टर टू, ठीक है क्वार्टर टू का लिंक दे रहा हूँ, बस यहाँ से आगे बढ़ जाना क्वार्टर टू, ठीक है।
ठीक है, कहाँ पे दूँ, चैट में दे दूँ? हाँ इसी चैट में दे दें सर। चैट में दे दिया सर। नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ेंगे जी? नेक्स्ट क्लास के हवाले से बता दें आगे क्या करना है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम आगे चलेंगे, ये एनएलपी वाला काम करेंगे और बाइनरी क्लासिफिकेशन के ऊपर जो है वो लॉजिस्टिक रिग्रेशन सीखेंगे, लॉजिस्टिक रिग्रेशन क्या होता है, और उसके अलावा अगली एक एग्जांपल करेंगे बुक में से। दो एग्जांपल आ गए ना, एक मल्टी क्लास है और एक रिग्रेशन की है। लॉजिस्टिक रिग्रेशन सीखनी है बेसिकली की। सही, ठीक है जी। चलो जी ओके, कोई सवाल तो नहीं पूछना है? ओके भाई, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।